नमस्ते सर। हेलो, क्या हाँ, नमस्कार राकेश जी। हाल? नमस्कार मीत साहब। सर गुड इवनिंग, हाउ आर यू सर? फाइन 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 फाइन, हाउ इज थैंक योर यू। हेल्थ सर? हाउ इज योर हेल्थ? फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास। गुड सर, एंजॉयिंग शादी सर? कैसे रही सर? नहीं, अभी तो मैं यहीं पर ही हूँ, लंदन में ही। ओके, अच्छा शादी अभी अच्छा 15th को है। फिफ्टींथ जी, अच्छा ठीक है। को लंदन में शादी कहाँ है पे सर? और उसके बाद 19th को रिसेप्शन है। लंदन में कहाँ पे सर? कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज। ओके 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 ओके, तो शादी भी यही है कैम्ब्रिज में, सेंट्रल नहीं, शादी लंदन में है, सेंट्रल लंदन में। लंदन में? ठीक है सर। सर वापसी कब है सर? वापसी मैं चलूंगा यहाँ से 21 तारीख को, 22 को वापस आऊंगा। ठीक है, और हाँ सब ठीक ठाक है घर हाँ परिवार? सब ठीक ठाक है बिल्कुल। इसीलिए थोड़ा, क्योंकि शादी का माहौल चल रहा है ना घर में, एकदम छोटे भाई की अजय, बेटी की शादी है। हाँ घर की अपनी और बेटी की हो गई। हाँ, अब दूसरी बात यह है कि इस वक्त सबसे बुजुर्ग आदमी मैं ही हूँ, क्योंकि फादर तो रहे नहीं है। हाँ, हाँ जी, आप बड़े भाई हैं। इवनिंग नमस्कार सर, नमस्कार अजय जी, नमस्कार। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हैं सर? बस कैसे हैं सर? ठीक ठाक बिल्कुल। आप लोग सुनाओ। सब एकदम बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, चलो, बहुत सही बढ़िया। है सही है सही है। थैंक्स, आपने इतने बिजी स्केड्यूल में भी क्लास कर दी सेट। नहीं नमस्ते कोई बात नहीं, आज थोड़ी कोई मतलब ऐसी वो नहीं थी, आज का दिन खाली रखा है। गुरुजी। नमस्कार नमस्कार विकास, क्या हाल है? बढ़िया हूँ सर। आज तो चमक रहे हो यार तुम। हाँ आज बृहस्पति देव बने हैं हाँ पीली ड्रेस में। आज थोड़ा हम पढ़ेंगे कम, थोड़ा बातें करेंगे बस आज, ठीक है सर, है ठीक ना। है, ठीक है सर। हाँ, थोड़ा रिवाइज करेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे और थोड़ा बातें करेंगे, यही काम करेंगे। क्योंकि मैं आप लोगों से मिलना चाह रहा था कि काफी दिन हो गए मिले नहीं, सब लोगों से मिले बिना थोड़ा ऐसे लगता है अजीब सा ना। सुमन बिल्कुल, सो नाइस ऑफ यू, बहुत जी अच्छा। नमस्कार। सुमन जी मिखल अभी यहाँ ही नहीं है। हाँ, अभी सुमन जी ज्वाइन कर रही हैं। वो ज्वाइन कर रही है, कनेक्टिंग टू ऑडियो दिखा रहा है। नमस्ते सर, कैसे हैं? और सर दिवाली कैसी रही आपकी? दिवाली तो राकेश जी, दिवाली तो अच्छी रही, क्योंकि दिवाली पे भी हम लोग यहीं पे थे। थोड़ा यहाँ पर पटाखों वगैरह में रोक लगाई हुई थी इस बार, हाँ यहाँ बहुत अच्छा। आतिशबाजी होती है इस बार, लेकिन वो आतिशबाजी नहीं हो पाई। तो घर में ही बैठ के पर पूजा वगैरह कर ली थी सब लोगों ने मिलके, फैमिली वालों ने। आपके गाजियाबाद का, दिल्ली का बड़ा हाल खराब है, बहुत हाल खराब है। खबरें सुन के डर लगता है। कैसे रह रहे लोग वहां पे? हाँ, आपकी पंजाब साइड से बहुत ज्यादा आ रही है पोल्यूशन। हम ही भेज रहे हैं इधर हाँ, से। इससे इसलिए। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता हाँ नहीं, सही बात है, हमारे सबके इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग करा दिया आपने। जो डेल्टा वायरस हमारे यहाँ कुछ नहीं कर सका, वो देख लो यूरोप में और चाइना में, फिर कर रहा कमाल। हाँ यस। सुमन जी नमस्कार। फाइन नमस्कार सर, नमस्कार, हाउ आर यू? बस थैंक यू। आप कैसी हैं? कैसा है आपका ट्रिप? ट्रिप अभी चल रहा है मैडम, अभी तो 21 तारीख तक हम लोग यहीं पर हैं। अरे वाह, वेरी गुड। हाँ, तो 21 की वापसी है, 22 को घर पहुंचेंगे। तो अभी तो अच्छा वेदर चल रहा होगा सर, आप एंजॉय कर हाँ, रहे ठंड होंगे। है यहाँ पे, काफी ठंड है, बहुत ठंड है। ओके, विच प्लेस यू आर? कैम्ब्रिज मैं कैम्ब्रिज में हूँ। में? ओके, सर जब लैंड किए उधर तो कोई इन्होंने कंटेन वगैरह वो किया नहीं वहां पे, क्वारंटाइन नहीं, कुछ नहीं किया, नहीं किया कुछ ऐसा? ऐसा नहीं था। सेकंड डे इन्होंने आरटीपीसीआर करा, टेस्ट कराया था वहां पे लैंडिंग पे सर, लोकल लैंडिंग के सेकंड डे। घर जब आप पहुंच गए? घर जब पहुंच गए, उसके सेकंड डे आपको टेस्ट कराना था। इफ यू जी फाइंड नेगेटिव, उस पॉजिटिव, तो उस केस में आपको क्वारंटाइन करना था, अदरवाइज नहीं करने की जरूरत थी क्वारंटाइन। वो फिर लोकल, यहीं से लोकल करवाया ना आपने हाँ, वो लोकल कराया एक घर बार। पे आके करके सर? और यहाँ से हम लोग करा के गए थे आरटीपीसीआर नेगेटिव, तो वो उन्होंने मांगा था कि 72 आवर्स के अंदर नेगेटिव होना चाहिए, तो वो हम ऑलरेडी करा के गए थे। और वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी हमारे पास था, जो दोनों से वैक्सीनेशन लग चुकी है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वैसे वहां पर कैसा माहौल है, मतलब कोरोना को लेके, कोविड को लेके कैसा सोच रहे हैं? कुछ नहीं है, सब यहाँ तो इतना ऐसा घूम रहे हैं जैसे कभी कोविड हुआ ही नहीं। यहाँ मतलब भी तो ऐसे ही है, लोग हाँ, भूल गए हैं गाजियाबाद में दिल्ली उधर मास्क लगा लेते हैं, यहाँ तो मास्क कोई लगाता ही नहीं है।
ठंड बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर भी यहाँ दो तीन ही चल रहा है खाली बस। पर न्यूज़पेपर में कैसे आ रहा है कि यूरोप में बहुत बढ़ रहे केसेस? हाँ पता नहीं, यहाँ तो हम तो काफी जगह घूमा है, सेंट्रल लंदन भी गए, कैम्ब्रिज भी खूब कितनी बार चले गए, कैमबोर्न भी चले गए, काफी जगह चले गए। हमने तो कहीं मॉल वॉल में किसी में भी ऐसे लोगों को मास्क लगा के नहीं देखा, कोई इक्का दुक्का मिल जाता है मास्क लगा के, अदरवाइज सारे लोग बिना मास्क के ही घूमते रहते हैं, कुछ नहीं होता। चलिए हम लोग थोड़ा सा आज रिवाइज कर लेते हैं हल्का सा, क्योंकि आज ज्यादा पढ़ाई हम नहीं कर पाएंगे, बातें करेंगे बस थोड़ी सी। तो मैं करता हूँ इसमें शेयर स्क्रीन। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आपका रिटर्न से 21 का है ना? हाँ 21 का। 21 नेक्स्ट संडे। हाँ संडे नेक्स्ट। ओके ओके ठीक है। इस क्लास की ऐसी आदत हो गई है कि गैप होने पर बड़ा अजीब सा लग रहा था। हाँ मैं वही सोच रहा हूँ, इसीलिए मुझे क्लास लेनी पड़ी आज, अदरवाइज थोड़ा सा कुछ ना कुछ फंक्शन चल रहे हैं लगातार, कभी मेहंदी कभी। आपने आपने समय निकाला, थैंक यू, लेकिन थोड़ा सा हम लोग भी रूटीन में, वरना एकदम से ऐसे लग रहा था कुछ पता नहीं क्या हो गया। नहीं 22 तारीख के बाद बिल्कुल रेगुलर हो जाएगा, 21 तारीख के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं। करेक्ट, हमने तो आज की क्लास भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी सर। नहीं मैडम कोई बात नहीं, थोड़ा आज मिलने का मन था इसलिए मैं करके आ करना। बहुत अच्छा किया। तो आज थोड़ा सा हम लोग पहले वाला, एक तो थोड़ा पहले वाला रिवाइज करते हैं, फिर थोड़ा आगे पढ़ेंगे। पहले वाले में आपने ये जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था भाव भावेश और कारक का, ये आप लोगों ने पढ़ा कुछ रिवाइज किया था जाके बाद में? नहीं जी गुरुजी, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, इसी के बेस पे सारी प्रेडिक्शंस होनी है। तो हमने ये बताया था कि भाव भावेश और कारक तीन चीज देखनी है आपको, ये तीन चीज बहुत इम्पोर्टेंट है कुंडली देखते वक्त, यानी भाव देखो, अगर चौथे भाव की आपने स्टडी करनी है तो चौथा भाव देखो, चौथे भाव का स्वामी देखो और चौथे भाव का कारक देखो। किसी भी भाव की स्टडी करने के लिए ये तीन चीजें देखनी बहुत आवश्यक होती हैं। भाव में क्या देखो, भाव में ये देखो कि भाव बली है या नहीं। भाव कैसे बली होगा, भाव का बली होना उस बात पर निर्भर करता है, अगर भाव का स्वामी भाव में ही बैठा हो, ये बताया था मैंने कि भाव का स्वामी अगर भाव में ही बैठा हो तो भाव बहुत बली हो जाता है, या भाव का स्वामी भाव को देखता हो, सही से बैठ के देखता हो भाव को, बली हो जाता है, या भाव में कोई उच्च का ग्रह बैठा हो तो भाव बलि हो जाता है, और भाव में शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, शुभ ग्रहों का शुभ ग्रह बैठे हो तो भाव बलि हो जाता है, और भाव शुभ कतरी में हो, शुभ कतरी का मीन्स के दोनों ओर उसके शुभ ग्रह हो तो भाव बलि हो जाता है। इसी प्रकार हम लोगों ने देखा था कि भाव बलि का तो ये यहाँ पे ये कर दिया था कि दूसरी चीज आती है भावेश, यानी भाव का स्वामी, उसका हमें चेक करना है कि वो बलि है या नहीं है। भाव को तो हमने चेक कर लिया बलि है, तो भावेश चेक करा, भावेश चेक करा तो भावेश को देखा कि भावेश कब बलि होगा, भावेश या तो त्रिकोण में जाए या केंद्र में जाए तो भावेश बलि होगा, भावेश लाभ भाव में जाए तो भावेश बलि होगा, भावेश शुभ कतरी में हो, दोनों तरफ शुभ ग्रह उनके बैठे हों तो भाव बलि हो, भावेश बलि होगा, भावेश पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, प्रभाव हो, या शुभ ग्रहों के साथ बैठा हो, शुभ ग्रह मीन्स वही बृहस्पति शुक्र चंद्र बुध, तो अच्छा होगा, तो बलि होगा भावेश। भावेश अपनी उच्च राशि में बैठा हो तो अच्छा होगा। एक पॉइंट इसके अंदर आता है कि भावेश की जो मूल त्रिकोण राशि है, आपको याद होंगी मैंने मूल त्रिकोण राशि आपको पढ़ाई थी कि दो राशियों में से मूल त्रिकोण राशि होती है एक, जैसे मंगल की मूल त्रिकोण, मंगल की दो राशियां हैं एक नंबर और आठ नंबर, और उसकी मूल त्रिकोण राशि एक नंबर है। ये थोड़ा ध्यान रखने वाला है कि भावेश जो है अपनी मूल त्रिकोण राशि से, मतलब चौथे भाव का स्वामी, हम चौथा भाव चेक कर रहे हैं, हमने ये तो पाया कि चौथा भाव बहुत मजबूत है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि चौथे भाव का स्वामी जो है और चौथे भाव में जिस जो राशि है वो उसकी मूल त्रिकोण राशि है, और चौथे भाव का स्वामी अपने से छठे आठवें या बारहवें भाव में चला गया, यानी अगर वहां से काउंट करो
तो छठे आठवें भावे में चला जाए तो वो थोड़ा नुकसानदायक होता है। ये ध्यान रखना है कि भावेश जो भी है वो अपनी मूल त्रिकोण राशि से 6-8-12 भाव में नहीं होना चाहिए। सर जी, यहाँ पे मैं जैसे आपने कहा अपने से, तो अपने से मान लीजिए अगर हम चौथे भाव की बात कर रहे हैं सर, फोर्थ भाव की, हाँ। तो फोर्थ भाव में किसी का मान लीजिए हम बात कर ले मंगल की कर लेते हैं, हाँ। तो मंगल देव की मूल त्रिकोण हो गई मेष चौथे भाव, हाँ। में आ गई सर, हाँ। अब यू मीन टू से सर कि अगर मंगल देव नौवें घर में बैठे हो या 11वें घर में बैठे हो, हाँ। तो के काल पुरुष कुंडली के 8वें-12वें में तो चौथे भाव की हानि होगी। नहीं सर, क्या वहाँ से चौथे भाव से नौवें और 11वें घर में हो तो के काल पुरुष के हिसाब से 6-8-12 में हो? नहीं, काल पुरुष हिसाब से 6-8-12 में, मतलब ऐसा नहीं कि 6-8-12 में तो चलो ठीक है ही है, वो तो मैंने बताया ही है कि आपको 6-8-12 भाव में किसी भी भावेश का जाना अच्छा नहीं होता काल पुरुष के हिसाब से। दूसरी चीज ये कि भावेश अपनी मूल त्रिकोण राशि से 6-8-12 ना गया हो, ठीक है। अगर भावेश अपनी मूल त्रिकोण राशि से 6-8-12 गया है, चाहे भले ही वो त्रिकोण में बैठा हो, भले ही वो लाभ भाव में बैठा हो, भले ही वो नवे भाव में बैठा हो, तो वो उस फल उस फल उसे फलों में कमी आ जाती है, ठीक है। इसी भी भावेश का अपनी मूल त्रिकोण राशि से 6-8-12 में जाना अच्छा नहीं है। जहाँ भावेश की मूल त्रिकोण राशि है वहां से आप काउंट कीजिए, जहाँ छठा आए या आठवां आए या बारहवां आए वहां तक आप काउंट कीजिए, अगर वो उसमें गया है तो वो अच्छा नहीं है, वो अपने भाव का थोड़ा नुकसान करता है। और इसके बाद हम लोगों ने पढ़ाया था भावेश, ये तो भावेश का तो बताया आपको हमने, फिर मैंने पढ़ाया था कारक की तीसरी चीज होती है कारक, भाव भावेश और कारक। हमने भाव देख लिया कि बली है या नहीं, हमने भावेश को चेक करा कि बली है या नहीं, फिर हमने कारक को चेक करना है, यानी तीनों की 33% वेटेज होती है, तो तीनों का हमने चेक करना है। तो कारक का भी सिम सिस्टम है जैसे भावेश का है, केंद्र त्रिकोण या लाभ भाव में होना चाहिए, अगर अच्छी पोजिशन उसकी मानी जाती है लाभ भाव में होगा तो अच्छा माना जाएगा। कारक शुभ कतरी में होगा, दोनों तरफ शुभ ग्रह बैठे होंगे उसके, तो अच्छा माना जाएगा। कारक को शुभ ग्रह देखें तो अच्छा माना जाएगा, कारक अपनी उच्च की राशि में बैठा हुआ है तो अच्छा माना जाएगा, और कारक पर शुभ ग्रहों की प्रभाव हो, दृष्टि हो या युति हो तो उससे भी कारक ग्रह कारक जो है हमारा मजबूत बन जाता है। सर, तो ये कुंडली का एनालिसिस करते हुए हम भाव भावेश और कारक तीनों को देखते हैं। सर, ये कारक जो उस भाव के स्थिर कारक है उनके बारे में पूछा है? हाँ, जो उस भाव के स्थिर कारक है, जैसे चौथे भाव का स्थिर कारक चंद्रमा है, चौथे का चंद्रमा है उसके लिए, ठीक है। ठीक है, तो चौथे भाव को स्टडी करेंगे, तो चौथा भाव देखेंगे कि भाव में कैसे ग्रह बैठे हुए हैं, भाव का स्वामी भाव को देख रहा है नहीं देख रहा, भाव में शुभ ग्रह है या नहीं है, तो चौथा भाव चेक करेंगे। चौथे भाव का स्वामी की पोजीशन क्या है, वो केंद्र त्रिकोण में गया है, लाभ भाव में गया है, कहाँ गया है, छठे आठवीं बारहवीं में तो नहीं गया, वो चेक करेंगे। और चंद्रमा की पोजीशन क्या है, और फिर चंद्रमा का देखेंगे, चंद्रमा जो कारक है वो कहाँ बैठा हुआ है कुंडली में, केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ है, लाभ भाव में बैठा हुआ है, ऐसा तो नहीं कि 8वें-12वें भाव में बैठा हो तो वो भी नुकसानदायक हो जाता है। तो ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि एक तो लगन से 6-8वें-12वें भाव में जाना, और ज्यादातर 8वें और 12वें भाव में जाना, 6वें भाव में जाना भी इतना नुकसानदायक नहीं होता, वो मैं आपको बताऊंगा आगे, लेकिन लगन से 8वें-12वें भाव में जाना अच्छा नहीं होता किसी भी भावेश का, अगर वो अपने लगन से 6वें-8वें-12वें में गया है तो। और इसी प्रकार किसी भी भावेश का अपनी मूल त्रिकोण राशि से 6-8-12 जाना अच्छा नहीं होता, ठीक। ये ध्यान रखने वाली है। तो कारक का मैंने हम लोगों को बताया था, कारक के बाद मैंने ये बताया था कि ग्रह अपनी दिशा में कहाँ का फल देते हैं, जब भी किसी ग्रह की दशा आएगी तो वहाँ का कहाँ का फल वो देंगे, तो वो मैंने बताया कि अपने स्वतंत्र कारकत्व का फल वो देते हैं, जो उनकी जिन चीजों के वो कारक है, धन का कारक है, पुत्र का कारक है, संतान का कारक है, ज्ञान का कारक है, तो ये कारक आपको याद रखने हैं। तो जब गुरु की दशा चलेगी तो वो धन दे सकता है आपको, संतान दे सकता है आपको, आपको ज्ञान दे सकता है, तो गुरु की दशा में आप ज्ञान अर्जित कर सकते हो, तो ये स्वतंत्र अंतरदशा, मतलब अंतरदशा, हाँ अंतरदशा, ठीक। इसी प्रकार गुरु जो है कालपुरुषी कुंडली में जिन भावों का स्वामी है उन भाव के रिजल्ट भी वो दे सकता है। कालपुरुषी कुंडली में 9वें और 12वें भाव का स्वामी होता है वो, तो 9वां भाव भाग्य भाव है, 12वां भाव व्यय भाव है, तो इन भावों के रिजल्ट भी वो दे सकता है। फिर गुरु जिस कुंडली में बात कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग कुंडली हमारे पास है, हमारे पास कोई कुंडली आई, हमने देखा भाई गुरु के रिजल्ट गुरु की अंतरदशा चल रही है, गुरु की अंतरदशा चल रही है तो हम ये निकालेंगे गुरु कहाँ कहाँ का फल देगा। सबसे पहले हम देखेंगे गुरु के स्वतंत्र कारकत्व क्या है, उनको नोट कर लिया,
कि भाई ये फल तो वो दे सकता है। दूसरा फिर हम नोट करेंगे कि गुरु कालपुरुषी कुंडली में किस भाव का स्वामी है, वहां के फल हमने नोट कर लिए कि साहब ये नवे भाव का स्वामी है तो 9x के फल दे सकता है, 12वें भाव का स्वामी है तो 12x के फल दे सकता है, 20 सेकंड हो गया। थर्ड हम देखेंगे कि गुरु जिस कुंडली में बात कर रहे हैं हम देख रहे हैं उस कुंडली में किन भावों का स्वामी है, तो उन भावों को हम लोग चेक कर लेंगे, उन भावों का नंबर लिख लेंगे कि भाई इस भाव का स्वामी है तो इसके जल दे सकता है वो। चौथा हम देखेंगे गुरु कहाँ बैठा है, गुरु बैठा है चौथे भाव में या पांचवें भाव में, तो जहां बैठा है वहां का रिजल्ट भी वो देगा, तो हमने वो वाला भाव भी नोट कर लिया। पांचवा हम नोट करेंगे जहां वो देख रहा है तो वहां के रिजल्ट भी हमने वहां का भाव भी नोट कर लिया, और जिस भाव का कारक है वहां के रिजल्ट भी वो दे सकता है, तो वो वाला भाव भी हमने नोट कर लिया। तो कहने का मतलब है गुरु इतने फल दे सकता है आपको इतने भावों के जब आप सबको नोट करेंगे, लेकिन लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर है, गुरु जहां बैठा है और जहां देख रहा है वो उसकी बाध्यता है, वहां के फल उसने देने ही देने हैं, वो बाकी फलों में अपने अपने भावों के फलों में या अपनी स्वतंत्र कारकत्वों के फलों में थोड़ी बहुत कमी पेशी कर सकता है, लेकिन जहां वो बैठा है और जहां वो देख रहा है वहां के फल तो वो अवश्य ही देगा। यहां तक किसी को प्रॉब्लम कुछ ये समझ आ गया? ये आगे क्वेश्चन है कि फल देगा गुरु जैसे 12वां व्यय भाव है और अगर वो 12वें में बैठा है या 12वें को देख रहा है तो, लेकिन गुरु तो अच्छे ग्रह है तो मतलब व्यय को कम कराएगा, व्यय कम कराएगा, सद्मार्ग पर ध्याय कराएगा आपका, ठीक है मतलब बताया था ठीक है। अब इसमें इसके बाद मैंने भाव चिंता में बताया था आपको, ये बताया था कि भाई किसी भी भाव के स्वामी अगर अपने लगन से 6-8-12 में जाए तो वो अच्छा नहीं रहता, ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। दूसरी बात ये कि जिस भी भाव का आपको विचार करना हो, यानी मान लिया आपको पांचवे भाव का पीछे से है या आपको कुंडली पीछे से कोई आवाज आ रही है, कोई डिस्टरबेंस आ रहा है पीछे से, हाँ थोड़ा म्यूट कर लीजिए अपने आप को सब लोग। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि किसी भी भाव का आपको विचार करना है, सपोज आप चाहते हैं कि मैं पांचवे भाव की स्टडी करूं कुंडली के अंदर, तो पांचवें भाव की स्टडी आप करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे स्टडी? आप वो मैंने जो पीछे चीज बताई वो तो आप देखेंगे कि पांचवा भाव कैसा है, बली है या नहीं है, पांचवें भाव का स्वामी कैसा है, बली या नहीं है, पांचवें भाव का कारक गुरु बनता है वो कैसा है, वो बली है या नहीं है। फिर आपने वो नोट कर लिया कि भाई ये किन किन भावों के फल दे सकता है, वो आपने नोट कर लिया। फिर आपने चेक करा ये गुरु बैठा कहाँ पर है और देख कहाँ रहा है, तो वहां के फल तो वो अवश्य देगा, वो आपने नोट कर लिया। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि आपका जिस भाव का विचार कर रहे हो आप, उस भाव से 6वें, 8वें और 12वें, ये नियम है, इस नियम को याद कर लीजिए। जिस भी भाव का आप विचार कर रहे हो उस भाव से 6वें, 8वें, 12वें यदि पाप ग्रह बैठे हो, पाप ग्रह कौन से हमारे हो गए, शनि हो गया, मंगल हो गया, सूर्य हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया, ये हमारे पाप ग्रह हैं जैसे हमने बताया था आपको। तो अगर हमें पांचवें भाव का विचार करना है और पांचवें भाव का विचार करते वक्त हमने देखा कि पांचवें भाव से पांचवा भाव है उससे 6वें भाव में, उससे 8वें भाव में और उससे 12वें भाव में, किसी एक में नहीं तीनों में यदि पाप ग्रह बैठे हों, तीनों में पाप ग्रह होना जरूरी है, ये कंडीशन मैंडेटरी है, ऐसा तो नहीं है कि 8वें 12वें में नहीं है। सर हाँ आप लग्न से बात करें ना, लग्न से 6वां, 8वां, 12वां, लगन से 6वां, 8वां, 12वां तो मैंने आपको जैसे बताया, ये तो इसमें तो यही है कि लगन से 6वां, 8वां, 12वां भाव में कोई भी भाव ग्रह जाएगा तो उसके फलों में कमी आती है, ठीक है। ये तो लगन का है कि लगन से 6, 8, 12 में कोई भाव कोई ग्रह जाए, खास तौर से 8वें और 12वें भाव में, 6ठा भाव कहाँ ठीक होता है मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा, लेकिन 8वें और 12वें भाव में कोई भी ग्रह जाए या 6ठे में भी लगा लो आप, अभी ये मान के चलो कि 6ठे, 8वें और 12वें भाव में लगन से कोई भी ग्रह जाए तो वो अच्छा नहीं होता। लेकिन मैं अब बात कर रहा हूं कि जिस भाव का विचार कर रहे हैं उस भाव की, यदि आप पांचवें भाव का विचार कर रहे हैं तो पांचवें भाव से 6ठा भाव देखिए, 8वां भाव देखिए, 12वां भाव देखिए, 5वें से देखिए 6, 8, 8 भाव, या ऐसा कीजिए कि 5वें भाव को लगन बना लीजिए आप, सिंपल ये काम करिए, 5वें भाव को लगन बना लिया आपने 5वें भाव की राशि को, तो उससे 6ठा, 8वां और 12वां देखिए, यदि वहां तीनों में पाप ग्रह बैठे हैं तो 5वें भाव को नुकसान होगा। सर अगर 5वें भाव में कोई पापी ग्रह बैठा हो वो उसको कैसे देखना? हाँ अभी अभी तो 5वें भाव का देखिए, 5वें भाव का तो हमने क्या करना है, वो
एक तरीका तो ये होता है कि पांचवें भाव का देखेंगे भाव कैसा है, पापी ग्रह बैठा होना वहां पे इतनी प्रॉब्लम नहीं है। बात प्रॉब्लम ये डिपेंड करता है कि वो ग्रह ऐसा तो नहीं कि भाव का स्वामी ही वो खुद बैठा हो वहां पे, वो भी हो सकता है। अगर भाव का स्वामी खुद बैठा है तो भाव बलि हो गया, उसका प्रॉब्लम नहीं है, वो तो हमें हमारा सेकेंडरी चीज है देखने का। मतलब पहले वो चीज वो देख ली हम लोगों ने, चेक कर लिया कि भाव कैसा है, बलि है या नहीं है, भावेश कैसा है, कारक कैसा है, वो चीज तो हमने देख लिया। अब हम ये देख रहे हैं कि जिस भाव का विचार कर रहे हैं उससे छठे आठवें बारहवें में कोई पाप ग्रहण बैठे हों तीनों में। अब जैसे मान लिया आपको सप्तम भाव का विचार करना है, अगर सपोज तीनों में पाप ग्रह बैठे हैं, तो वो परमानेंट वो भाव वीक हो गया या उन पाप ग्रह की दशा चलेगी तब वीक होगा? हाँ, दशा में ही, बेसिकली दशा में जो है जो रिजल्ट मिल रहे हैं आपको दशा के अंदर ही मिल रहे हैं। तो तीनों पाप ग्रह की दशा तो एक साथ आएगी नहीं, कभी किसी की आएगी कभी किसी की आएगी, तो हाँ तो उसमें उसको प्रॉब्लम होती रहेगी, उस भाव के रिजल्ट में गड़बड़ होती रहेगी, संतान की समस्या होगी। अच्छा, पांचवें भाव के जो भी रिजल्ट आते हैं पांचवें भाव के रिजल्ट में कमी आएगी, आपको संतान में प्रॉब्लम होगी, संतान से समस्या होगी, संतान बीमार हो सकती है, या अगर आप कोई स्टूडेंट हैं तो एजुकेशन में व्यवधान आ सकता है, तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं। कोई मीटिंग वगैरह आपकी हो या कोई इंटरव्यू हो तो उसमें आप सक्सेस नहीं पाएंगे, क्योंकि इंटरव्यू वगैरह भी हम लोग सर पांचवे भाव से देखते हैं। सर इसका मतलब तो ये तीनों में पाप ग्रह होना चाहिए। अगर गुरु जी अगर एक और दो पाप ग्रह बैठे हैं, जैसे छह में बैठा हुआ, बारहवा बैठा हुआ, आठवा भी कोई नहीं बैठा हुआ, तो इससे भी इससे नहीं, तीनों में ये मैंडेटरी कंडीशन है। अगर आप फलदीपी का देखो तो उसमें मैंडेटरी कंडीशन है कि इन तीनों भावों में यदि पाप ग्रह हो तब हानि होगी। जी जी तो सर ये अगर हर भाव में इस तरह से देखना है हमको, हाँ हर भाव में 6-8-12 का कॉम्बिनेशन देख लेना है, बिल्कुल रेफरेंस यही देखना है आपको। किसी भी भाव की स्टडी आप करना चाहते हैं एटलीस्ट पहले तो ये देख लीजिए, इससे पहले कि आप ये चेक करें कि इसका भाव कहाँ है, इसका भाव कैसा है, इसका भावेश कैसा है, इसका कारक कैसा है, उससे चेक करने से पहले जस्ट एक बार देख लीजिए क्या जिस भाव की स्टडी हम करने जा रहे हैं उससे छठे भाव में, आठवें भाव में, बारहवें भाव में तीनों में पाप ग्रह तो नहीं बैठे। अगर तीनों में पाप ग्रह बैठे होते हैं तो उस भाव के फल को रिड्यूस करेंगे। अगर वो भाव बहुत अच्छा फल देने वाला है, सपोज कीजिए ये बात मान लीजिए कि देखिए आपका आप सातवें भाव का विचार कर रहे हैं, आप सातवें भाव का विचार कर रहे हैं और आपने सातवें भाव को देखा कि यार भाव तो बलि है, भाव का स्वामी भाव में बैठा है या भाव का स्वामी देख रहा है या भाव में कोई उच्च ग्रह बैठा है, तो आपने टिक कर दिया कि भाव का स्वामी बलि। फिर आपने देखा कि भावेश जो है, भाव का स्वामी जो है वो आपका केंद्र त्रिकोण में गया है, तो आपने कहा ये भी बलि। अब आपने कारक चेक किया तो ये भी बलि, तो आप कह रहे हो कि भाई बहुत अच्छा फल मिलेगा मुझको तो। लेकिन जो भाव है उस अच्छे फलों में कमी आ जाएगी अगर उस भाव से 6, 8 और 12 भाव में तीनों में पाप ग्रह बैठे हों, तो उस भाव के फलों में कमी आ जाएगी, अच्छे फलों में कमी आ जाएगी, ये चीज मैं कहना चाहता हूं आपसे। और अगर बुरा भाव, वो भाव बुरा फल दे रहा है और उससे भी तीसरे छठे आठवें बारहवें भाव में बुरा ग्रह बैठा है, पाप ग्रह बैठा है, तो फिर तो उसकी बुराई और बढ़ जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ ये? सर उस पे अगर पाप दृष्टि भी हो सातवें पे तब भी वो खराब करेगा, बिल्कुल। अभी दृष्टि पे मैं आ रहा हूँ, अभी दृष्टि का तो मैं आपको देखिए, मैंने आपको ये बताया ना कि दो चीज आपकी अलग अलग है। देखिए दो चीज अलग अलग क्या है कि आपको भाव चेक करना है, भावेश चेक करना है, कारक चेक करना है कुंडली देखते वक्त। आप चौथे भाव की स्टडी कर रहे हो या आप सातवें भाव की स्टडी कर रहे हो तो सातवें भाव का भाव देख लो कि भाव में किसी कोई पाप ग्रह तो नहीं बैठे, भाव में किसी पाप ग्रह की दृष्टि तो नहीं। अगर भाव में किसी पाप ग्रह की दृष्टि है, दो या दो से अधिक, पाप ग्रह की दृष्टि भी दो या दो से अधिक होनी चाहिए, सिंगल ग्रह के दृष्टि से कुछ नहीं होता, एक पाप ग्रह की दृष्टि से। जब कोई भी भाव दो या दो से अधिक ग्रहों से प्रभावित होगा तब उस भाव की हानि होगी, ये आप ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि भाव देखा आपने कि चौथा भाव आप स्टडी कर रहे हैं और देखा कि उसको शनि देख रहा है तो आपने कहा इस भाव की हानि होगी, ऐसा नहीं। हाँ, अगर शनि भी देख रहा है, मंगल भी देख रहा है उस भाव को, तब कह सकते हैं आप 100% इस भाव की हानि होगी। तो दो भाव का वो है, तो पहले तो आपने चेक किया भाव कैसा है, हमारा भाव बलि है या नहीं है। आपने देखा कि हमारा भाव बलि है, किसी पाप ग्रह की दृष्टि भी नहीं है, अगर है तो एक ही पाप ग्रह की दृष्टि है और भाव के अंदर आपका स्वामी भाव को देख रहा है, भाव बलि है। फिर आपने भावेश चेक किया, आपने देखा कि भावेश जो है हमारा केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में बैठा हुआ है, अच्छी जगह प्लेस्ड है, मित्र राशि में बैठा हुआ है, तो आपने कहा हमारा भावेश भी अच्छा है। फिर आपने कारक को चेक किया, कारक देखा आपने कि भाई इस भाव का कारक पांचवें भाव का कारक गुरु है और गुरु भी हमारा केंद्र त्रिकोण या लाभ भाव में गया हुआ है और अच्छे घर के अंदर बैठा हुआ है, तो वो भी आपका अच्छा हो गया। तो आप कह रहे हो जी भाव का रिजल्ट तो बहुत बढ़िया मिलेगा, मुझको जो है 100 रुपए मिल जाएंगे या मुझको 200 रुपए मिल जाएंगे, लेकिन वो 200 रुपए नहीं मिल रहे,
अगर उस भाव से छह आठ और बारहवें भाव में तीनों में पाप ग्रह बैठे तो 100 रुपए में कमी आ जाएगी। और अगर रिजल्ट आपको बेकार मिलने हैं, आपका भाव भावेश और कारक के हिसाब से आपको रिजल्ट बेकार मिलने हैं या नेगेटिव रिजल्ट मिलने हैं और उस भाव से छठे आठवें बारहवें में तीनों में पाप ग्रह बैठे हों तो उस भाव के रिजल्ट विपरीत हो जाएंगे, मतलब और बुरे हो जाएंगे। ये मैं कहना चाहता सर, इनमें छठे आठवें बारहवें में पाप ग्रह बैठे हों और साथ में कोई शुभ ग्रह भी बैठा हो तो भी सर यही इफेक्ट रहेगा, तो भी माना जाएगा। तीनों में पाप ग्रह होना चाहिए, चाहे शुभ ग्रह बैठा हो साथ में, उससे कोई लेना देना नहीं, पर तीनों में पाप ग्रह, मतलब मंगल हो किसी में, शनि हो किसी में, राहु हो, चाहे मंगल के साथ बुध बैठा हो या बृहस्पति बैठा हो, उससे लेना देना नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। तो ये एक बहुत खास एग्जाम्पल था जो मैंने आपको बताया कि भाव भावेश कारक को देखने के बाद इस पॉइंट को भी चेक करना है कुंडली में आपको, तो उससे आपकी प्रेडिक्शन बिल्कुल सिंपल हो जाएगी। अगर किसी दो में पाप ग्रह बैठे हैं या किसी एक में पाप ग्रह बैठा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे तो फिर भाव भावेश कारक जो आपने देखे, जो रिजल्ट वो बताते हैं, वो रिजल्ट आपको मिलेगा। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। सर ये फार्मूला गोचर में भी लगेगा? बिल्कुल लगेगा, ठीक है, गोचर में भी लगेगा। आप ये सब चीजें जो फार्मूले हैं ये आप उसका भी उसके अंदर भी लगाएंगे तो आपको ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट मिल जाएगा। अभी बताऊंगा मैं आपको, गोचर जब पढ़ाऊंगा तब आपको मैं सारा ये सिखाऊंगा कम्प्लीटली, गोचर में आपने क्या क्या देखना है। अगर कोशिश हुई तो थोड़ा बहुत गोचर को हम आज टच कर लेंगे, पर देखते हैं कैसे स्टार्ट होता है, अभी वो करेंगे, नहीं तो हम लोग 21 के बाद फिर गोचर भी स्टार्ट करेंगे रेगुलर क्लासेस में सारा, तब उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कुंडली के एनालिसिस भी स्टार्ट करेंगे। दूसरी चीज ये है कि एक तो मैंने आपको बताया कि जिस भाव का विचार करना हो वो भाव का मैंने आपको बता दिया, ये तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। मैंने आपको ये बताया कि भाव स्वामी पहले किस भाव के फल देगा। देखिए एक ग्रह की दो राशियां होती हैं, एक राशि होती है मूल त्रिकोण राशि, एक राशि होती है उसकी सिंपल राशि। तो जहां घर ग्रह की मूल त्रिकोण राशि है उसके फल वो ज्यादा देता है, 75% फल ग्रह जो है वो अपनी मूल त्रिकोण राशि जहां बैठी है उसके हिसाब से देगा, और दूसरी राशि जहां से बैठा हुआ है उसके हिसाब से 25% फल वो देगा। तो ये ध्यान रखिए कि मूल त्रिकोण राशि की बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए मैंने कहा था कि ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि से छठे आठवें बारहवें भाव में नहीं जाना चाहिए तो नुकसान हो जाता है। तो ये मूल त्रिकोण राशि की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि जो भी मूल त्रिकोण राशि है उसके फल ग्रह ज्यादा देगा। अगर मूल त्रिकोण राशि नवे भाव में पड़ रही है, जैसे बृहस्पति का तुम कालकृषि कुंडली ले लीजिए, आप लोग कालकृषि कुंडली में बृहस्पति नवे भाव का स्वामी होता है और बारहवें भाव का स्वामी होता है। नवे भाव में उसकी 9 नंबर राशि आ गई, बारहवें भाव में उसकी 12 नंबर राशि आ गई, और बृहस्पति की जो मूल त्रिकोण राशि है वो 9 नंबर की है। तो बृहस्पति मैक्सिमम रिजल्ट जो देगा वो नवे भाव के देगा, मतलब भाग्य में तरक्की करेगा, आपको ज्ञान देगा, धर्म के मार्ग पर आपको चलाएगा, वो चलाएगा। लेकिन चूंकि उसको व्यय भी देना है 25%, तो धर्म के मार्ग पे व्यय करा देगा आपका, अच्छी जगह व्यय करा देगा आपका। वो चीज आपको ध्यान में रखनी है कि मैक्सिमम रिजल्ट जो मिलते हैं उस भाव के मिलते हैं जिस भाव में ग्रह की मूल त्रिकोण राशि होती है। अच्छा, अब होता क्या है कि एक ये चीज ध्यान रखिए, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि लग्नेश, लग्न का स्वामी जिस भाव में जाएगा उस भाव को बढ़ाएगा, समृद्धि करेगा, चाहे वो अशुभ ग्रह ही क्यों ना हो, पाप ग्रह ही क्यों ना हो। लग्नेश और नवमेश दो ग्रह आप याद रखिए, लग्नेश और भाग्येश, ये दो ग्रह ऐसे हैं चाहे पाप ग्रह क्यों ना हो, किसी भी भाव में जाएंगे तो भाग की वृद्धि करेंगे। अब मान लिया हम छठा भाव देख रहे हैं और छठे भाव, यहाँ हम पांचवा भाव देख रहे हैं और पांचवें भाव में हमने देखा है पाप ग्रह बैठा है। राकेश जी आप थोड़ा ध्यान से सुनिए, पांचवें भाव में आपने चेक किया कि ये बैठा हुआ है आपका राहु बैठा है, राहु नहीं, राहु का तो कोई भाव वो तो होता नहीं है, शनि का हम लगा लेते हैं। नहीं, पांचवें भाव में एक नंबर राशि है मंगल की, उसके उस घर में बैठा राहु। हाँ, तो वो तो आपका, वो तो ग्रह को आपको ग्रह, वो तो भाव का फल को कमी करेगा ना, क्योंकि राहु बैठा हुआ है और अगर एक ग्रह की दृष्टि और हो जाए उसके ऊपर तो दो ग्रहों का प्रभाव हो गया। हाँ जी, एक ग्रह से मैंने कहा कि एक ग्रह के प्रभाव से फर्क नहीं पड़ता, दो या दो से अधिक ग्रहों का प्रभाव होना चाहिए किसी भाव पे या किसी भावेश पे या कारक पे। अगर दो या दो से अधिक ग्रहों का प्रभाव होगा, पाप ग्रहों का प्रभाव होगा या पाप ग्रहों की दृष्टि होगी, तब उस भाव की हानि होगी, ये आप ध्यान रखिए। मैं आपको दरअसल ये कुछ और चीज कहना चाह रहा था, मैं आपको ये कहना चाह रहा था
कि मान लिया आपकी किसी कुंडली में शनि बैठा हुआ है छठे भाव में या पांचवें भाव में, और आप कहते हो जी मेरे, और मंगल की दृष्टि है, अब आप कहते हो जी मेरे भाव पे दो ग्रहों का प्रभाव आ गया, शनि बैठा हुआ है और मंगल की दृष्टि भी है, बात बिल्कुल सही है आपकी, लेकिन ये चेक करना है कि शनि किन भाव का स्वामी है, कहीं शनि लग्नेश तो नहीं, या शनि आपका भाग्य का आपका स्वामी तो नहीं। अगर शनि लग्नेश है या भाग्य भाव का स्वामी है तो वो पाप ग्रह की तरह काउंट नहीं होगा, ये ध्यान रखना है आपको। वो जहां जाएंगे उस भाग के फलों में वृद्धि करेंगे, लग्नेश और भाग्येश, या जिसके साथ बैठेंगे उस ग्रह के भावों में वृद्धि करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये क्लियर हुआ अजय जी? क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर है सर। अच्छा अनुपम सर, अगर लग्नेश आठवें भाव में हो तो वो लग्नेश आठवें भाव में चला जाए, बिल्कुल ठीक बात है, 6-12 से ज्यादा खराब है तो लगन का नुकसान तो करेगा, क्योंकि लग्नेश आठवें भाव में चला गया तो लगन का नुकसान तो करेगा, कि मैंने बताया कि आपको किसी भी भाव का स्वामी छठे आठवें बारहवें भाव में जाए तो उस भाव की हानि होती है, लेकिन आठवें भाव के रिजल्ट्स के अंदर वृद्धि कर देगा, आठवें भाव के जो रिजल्ट आपको बुरे मिल रहे हैं उनको रिजल्ट को रोक देगा, आपको अच्छे रिजल्ट देगा। लग्नेश ऑकुलट साइंस में बहुत आगे बढ़ेंगे, आप कोई इन्वेंशन कर सकते हैं, जो भी आठवें भाव के रिजल्ट आपके होंगे वो पॉजिटिव हो जाएंगे आपके, तो आयु का वृद्धि भी करेगा। हाँ जी, मैं बोला गुरु जी आयु का तो वृद्धि करेगा, आयु का वृद्धि करेगा, बिल्कुल सही बात है। लगन का जरूर थोड़ा बहुत वो नुकसान करेगा, क्योंकि लगन का स्वामी आठवें भाव में चला गया तो लगन का तो थोड़ी हानि हो सकती है, लेकिन आठवें भाव में लग्नेश गया है तो आठवें भाव की वृद्धि वो करेगा, ये चीज आप ध्यान रखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। सर हम जैसे शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह को कैटेगराइज करते हैं, हाँ, तो अगर जैसा आपने बताया लग्नेश और लाभेश, इन दोनों को तो क्या हम एनालिसिस के लिए किसी कुंडली में लग्नेश और लाभेश को शुभ ग्रह मान सकते हैं, अगर वो अशुभ ग्रह भी है तो भी? लग्नेश और भाग्येश, भाग्येश, हाँ भाग्येश, सॉरी, अगर इन दोनों को भाग्येश को आप उनको शुभ मान सकते हैं, वो मतलब जिस भाव में जाएंगे उस भाव की वृद्धि करेंगे। नहीं मतलब इन जनरल किसी भी एनालिसिस के लिए उनको शुभ ग्रह मान सकते हैं, फिर उसको शुभ ग्रह मान सकते हो, जो आपने इससे पहले एक चीज बताई थी छठा आठवें बारहवें के लिए उसमें भी फिर उनको करेंगे, उनको भी शुभ मानेंगे। कहीं भी आप लग्नेश को और भाग्येश को मतलब शुभ मान सकते हो कि वो जिस भी ग्रह के साथ बैठेंगे, जिस भी भाव में जाएंगे, चाहे भले ही वो पाप ग्रह क्यों ना हो, लेकिन उस भाव की वृद्धि करेंगे। लेकिन अगर वो लग्नेश और भाग्येश नहीं है और पाप ग्रह है सिंपली, तो उस भाव का नुकसान करेंगे, या जिस भाव को देखेंगे वहां का नुकसान करेंगे। लेकिन एज ए लग्नेश अगर कोई किसी भाव को देख रहा है तो उसका आपका नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि वो लग्नेश है। ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, मैंने फिर आपको बताया था कि मतलब आप कुंडली से, अपनी कुंडली से कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट लोगों का, अपने रिलेटिव्स का कुंडली को देख सकते हैं, तो वो मैंने आपको बताया था। सपोज कीजिए कि आपको अपने कुंडली देखनी है अपनी फादर की, कैसे कुंडली देखें, अपने फादर की कुंडली आपको देखनी हो, तो उस केस में तीन तरीके हैं। अगर आपकी कुंडली से ही, मान लिया आपकी कुंडली आपके पास है लेकिन फादर की कुंडली नहीं है, और आप चाहते हो कि आप अपनी कुंडली से ही फादर के बारे में स्टडी कर लो, तो उसके तीन तरीके हैं। पहला तरीका ये कि जो नवा भाव है, जो पिता वाला भाव है, उसको लगन बना लो, नवे भाव को लगन बना लो। तो नवा भाव जब लगन बन गया तो कुंडली पिता की बन जाती है, दूसरा भाव फिर पिता का धन हो गया, तीसरा भाव फिर पिता का पराक्रम हो गया, चौथा भाव फिर पिता का सुख हो गया, पांचवा भाव पिता की संतान यानी खुद आप हो गए, छठा भाव पिता का संघर्ष हो गया, तो वो सब चीजें हो जाएंगी। समझ आया? हाँ जी सर। अनुपम है? अनुपम? नहीं सर, नहीं सर, इसमें मेरे को कुछ कहना है। हाँ, मान लीजिए किसी पिता के पांच बच्चे हैं, हाँ, तो उनकी तो फिर उनके तो उन, अगर उनकी कुंडली के हिसाब से करेंगे तो पांचों का अलग अलग बनेगा, बड़े बच्चे के हिसाब से, बड़े के हिसाब से देखना है आपको बड़े के हिसाब से देखना है, बड़े के हिसाब से ही कुंडली देखी जाती है, पिता की या माता की किसी कुंडली भी अगर आप देख रहे हैं किसी रिलेटिव की, तो बड़े बच्चे के हिसाब से आपको देखना है। और तो बड़े बच्चे के हिसाब से आप ये देखिए, हाँ, पहले ये देखिए कि नवे भाव को लगन बना लीजिए, नंबर एक। नंबर दो, सूर्य जहां पर है उसको लगन बनाइए, सूर्य जिस राशि में हो, क्योंकि सूर्य पिता का कारक होता है। सर चाहे पुत्री हो चाहे पुत्र, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ा बच्चा जो भी रहे, हाँ कोई भी हो, पुत्र हो या पुत्री हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बड़ा बच्चा होना चाहिए घर का।
ये सवाल हम लोगों ने भी अपने गुरु जी से पूछा था, तो उन्होंने यही कहा था कि जो बड़ा बच्चा घर का है, चाहे पुत्री हो चाहे पुत्र हो, संतान जो बड़ी संतान है उसकी कुंडली से आपको चेक करना है कि उसका नवा भाव को लगन बना लिया, वो चेक कर लिया, सूर्य को लगन बना लिया, जहाँ सूर्य जिस राशि में बैठा है उस भाव को लगन बना लीजिए, तो वो भी पिता की कुंडली तैयार हो जाती है। और फिर सर पिता का धन, तीसरे भाव से पिता का पराक्रम, चौथे भाव से पिता का सुख। और सर मदर का दो तरीके ये हो गए। थर्ड तरीका है कि सूर्य से नव तक गिनिए, नवम भाव तक जाइए, वहां पे जो राशि हो, सूर्य से नवम भाव में जो राशि हो उस राशि को लगन बना लीजिए। हमारे गुरु जी कहते हैं कि दिस इज द बेस्ट वे टू स्टडी फादर्स कुंडली, कि सूर्य जहां बैठा है उससे नवे भाव को लगन बना लीजिए। तो अब सूर्य से नवे भाव को क्यों, क्योंकि नवे भाव से पिता देखते हैं, तो सूर्य से नवम से भी पिता देखेंगे हम लोग, तो वो नवम बना लीजिए, तो उसको कुंड लगन बना लेंगे, तो आप उससे भी वो पिता की कुंडली आपकी बन जाएगी, उससे स्टडी कर लीजिए। अब ये तीन कुंडली आपके पास हो गई पिता की, जो नवे भाव को लगन बनाया है, दूसरी कुंडली वो जो आपने सूर्य को लगन बनाया है, तीसरी कुंडली वो जो आपने सूर्य से नवम से भाव को। तो तीन कुंडली होने के बाद उन तीन कुंडली की स्टडी आप कीजिए, फिर आपका देखिए कॉमन क्या आ रहा है, तो उसके हिसाब से यू कैन से कि भाई आपके फादर की चीजों में ये प्रॉब्लम। थर्ड वाला आपने क्या बोला, सूर्य से नवम भाव? हाँ, सूर्य से नवम भाव। मान लिया पिता का धन देखना चाह रहे हैं, सपोज कीजिए आप ये देखना चाहते हैं कि मेरे पिता का धन कैसा था, उसको अपन फर्स्ट गिन लेंगे। हाँ, आप पिता का धन देखना चाहते हैं तो सबसे पहले ऐसे कीजिए, पिता की कुंडली तो आपके पास है नहीं, तो जो बड़े बच्चे की कुंडली है उसी कुंडली से नवे भाव को लगन बना लीजिए, तो पिता का धन चेक कीजिए, क्योंकि नवे भाव को लगन बना दिया तो सेकंड भाव पिता का धन हो गया, थर्ड भाव पिता का पराक्रम हो गया, तो सेकंड भाव से धन चेक कीजिए, क्योंकि सेकंड भाव अच्छा है, आपने देखा कि धन हाँ अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। फिर दूसरा क्या कीजिए कि सूर्य को लगन बनाइए और सूर्य से चेक कीजिए कि धन की स्थिति क्या बनती है, और इसी प्रकार सूर्य से नवम भाव को लगन बनाइए और धन की स्थिति देखिए। अगर तीनों में से दो कहते हैं कि धन की स्थिति अच्छी आती है तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि धन की स्थिति अच्छी है पिता की। सर मगर तीनों मेथड से तो रिजल्ट अलग अलग ही आएंगे ना। हाँ, लेकिन अगर ऐसा है ना, मैंने आपसे बताया कि तीनों से रिजल्ट अलग आएंगे, लेकिन अगर तीनों से दो से रिजल्ट सेम आ गए तो आप 100% कह सकते हैं, मतलब तीनों में से ट्राई करके जो कॉमन आ रहा है वो रिजल्ट आएगा, आप 100% कह सकते हैं। ओके, थैंक यू। दूसरी चीज ये कि इसके अंदर जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है देखने का, वो सूर्य से नवम भाव से। पिता की कुंडली देखनी है तो सूर्य से नवम भाव को लगन बनाइए, माता की कुंडली देखनी है तो चंद्रमा से चौथे भाव को लगन बनाइए, क्योंकि चौथे भाव से माता देखते हैं, तो चंद्रमा माँ का कारक है, तो चंद्रमा से चौथे भाव को लगन बना लीजिए। भाई की कुंडली देखनी है तो मंगल से तीसरे भाव को लगन बना लीजिए। हाँ, मंगल आपका बेटा है, उसे तीन भाव तक गिनिए, पहले सबसे पहले तो मंगल जिस राशि में है उसको लगन बना लीजिए, तीसरे भाव को लगन बना लीजिए, फिर मंगल से तीसरे भाव को लगन बना लीजिए। तो तीनों कुंडली से चेक करेंगे तो आपको भाई की कुंडली मिल जाएगी, आपको मोटा मोटा मिल जाएगा कि भाई की स्थिति कैसी है। सर ये एक क्वेश्चन है, लगन बना के हम इस तरह से तो राशियां बैठा के चेक कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे हाथ में राशि है बड़े बच्चे की, जो ग्रह बैठे हुए हैं उनकी पोजिशन वो सब नेगेटिव ग्रह पॉजिटिव ग्रह वो सब तो सेम ही रहेंगे तीनों में, क्योंकि वो तो बच्चे ही जो बैठे हुए हैं कुंडली में वैसे ही बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मान लिया सपोज कीजिए कि आप अपने पिता की कुंडली बनाना चाहते हैं और आपका आपके नवे भाव में आपकी दो नंबर राशि है, सपोज कीजिए, और दो नंबर राशि है वहां पे शनि बैठा हुआ है, तो नवा भाव को लगन बनाएंगे आप जब, तो दो नंबर राशि आपकी लगन बन जाएगी, फिर वहां से आप 2, 3, 4, 5 काउंट करेंगे, ग्रह वैसे ही बैठाएंगे जैसे ग्रह जिस राशियों में बैठे हैं, अच्छा उसी राशियों में रहेंगे जिस राशि में हैं। फिर उससे जब आपने लगन बना दिया उससे आप चेक करेंगे कि भाई इससे दूसरा भाव पिता का धन हो गया, तीसरा भाव पिता का पराक्रम हो गया, चौथा भाव पिता का। ठीक है सही, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अनुपम रुपेश है, रुपेश? यस सर। अच्छा ठीक है सर। सर इसमें जैसे मैंने अपनी कुंडली बनानी हो तो अपने बड़े बच्चे की बेटी की, हाँ ऐसे बना सकता हूँ? हाँ, अपने अपने बड़े बच्चे की अपने बड़े बच्चे की कुंडली से आप अपनी कुंडली बना सकते हैं। ठीक है, अपने बड़े बच्चे की कुंडली में आप चेक कर लीजिए, मैंने तीन तरीके बताए हैं आपको, कि उसका तरीका बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट तरीका तो यह है कि सूर्य से नवम भाव देखिए, अगर आपको अपनी कुंडली बनानी है तो पिता के लिए, ठीक ठीक है, पिता के लिए बनानी है तो चंद्रमा से चौथा देखिए, भाई के लिए बनानी है तो मंगल से तीसरा देखिए,
तो गुरु जी अगर तो गुरु से पांचवा देखिए। हेलो गुरु जी, गुरु जी जी, अगर माता पिता का तबियत खराब होगा तो बड़े बेटे से भी देख सकते हैं ना? बिल्कुल, बड़े बेटे से देखें। जी जी 100%। आगे चलते हैं। अच्छा ये तो मैंने समझा दिया था पिछली बार। अच्छा एक नियम और ध्यान रखना है थोड़ा सा। मैंने आपको देखिए तीन नियम मैं आपको बता रहा हूँ कुंडली परीक्षण करने के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर एक नियम तो ये है कि आपको भाव चेक करना है, आपको भावेश चेक करना है, आपको कारक चेक करना है, ये बलि है या नहीं। फर्स्ट लॉ ये हो गया, रूल नंबर वन, इसको नोट कर लीजिए। रूल नंबर टू आपको देखना है कि भाव का जो स्वामी है अगर वहां पे उसकी मूल त्रिकोण राशि है तो उससे 6-8-12 में तो भी चला गया। नंबर दो। नंबर तीन, जिस भाव की स्टडी आप कर रहे हैं उस भाव से 6, 8 और 12 भावों में तीनों में पाप ग्रह तो नहीं। ये तीन नियम आप चेक कर लीजिए तो कुंडली के अंदर प्रेडिक्शन करते वक्त तो आपको इससे आसानी मिल जाए, बहुत आसानी हो जाएगी। और ये मैंने आपको बता दिया कि जब दो या दो से अधिक ग्रह प्रभाव डालेंगे किसी ग्रह के ऊपर तभी वो प्रॉब्लम होगी, या किसी भाव पे प्रभाव डालेंगे तभी उस भाव के अंदर प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज नहीं होगी। केवल एक शुभ ग्रह के देखने से या केवल एक पाप ग्रह के देखने से ऐसा नहीं कि उस भाव की रिजल्ट कमी हो जाएगी या रिजल्ट बढ़ जाएगा। आपको दो या दो से अधिक ग्रहों का प्रभाव किसी भाव पे होना चाहिए या किसी भी भावेश पे होना चाहिए या किसी भी कारक पे होना चाहिए तो आपके रिजल्ट बढ़ जाते हैं। सर एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ छोटा सा? हाँ पूछिए। अगर सपोज कोई सपोज चौथा भाव है जो कि केंद्र भाव है और केंद्र भाव के अंदर चौथे भाव के अंदर 3-4 अशुभ ग्रह आ गए, सपोज के अंदर शनि आ गए, सूर्य आ गए, उसके अंदर केतु आ गए, लेकिन वो केंद्र भाव है, केंद्र भाव में तो अशुभ ग्रह शुभ ग्रह का फल दे देते हैं, तो वो भाव खराब हो जाएगा या कैसा रहेगा उसमें अगर 3-4 अशुभ ग्रह और एक शुभ ग्रह कोई सपोज बुध या शुक्र? देखिए मैंने कहा था कि अशुभ ग्रह, ये मैंने आपको साहचर्य का नियम पढ़ाया था ना पीछे, आपने शायद ध्यान नहीं दिया। साहचर्य के जब मैंने आपको ये पढ़ाया था कि अशुभ ग्रह अगर केंद्र के स्वामी हो, पाप ग्रह केंद्र में बैठे नहीं हो, स्वामी हो, अच्छा तब रिजल्ट शुभ कर देते हैं वो। अगर केंद्र मान लिया आपके चौथे भाव में शनि बैठा है, मंगल बैठा है और स्वामी नहीं है वहां का, तो वो थोड़ा रिजल्ट वहां का ठीक करेगा, वो तो रिजल्ट वहां का खराब करेगा। अच्छा खराब ही करेगा वो, ठीक, वो तो खराब करेगा क्योंकि उसमें आपके दो पाप ग्रह आ गए। हाँ, दो से अधिक हो तो और भी खराब करेगा, तो वो तो भाव पीड़ित हो गया आपका, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज मैंने आपको बताया था कि भाव के फल कम मिलते हैं, ये मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट था कुंडली एनालिसिस के लिए कि जब भाव में बैठे ग्रह की दशा होती है तब भाव के फल मिलते हैं। दशा होनी बहुत जरूरी है, स्पेशली अंतरदशा। जब भाव के स्वामी की दशा होती है, दशा जो मैं बोल रहा हूँ उसको अंतरदशा समझिए आप बेसिकली, तब फल मिलते हैं। जब भाव को देखने वाले ग्रहों की दशा होती है तब फल मिलते हैं आपको। जब भाव के कारक की दशा होती है तब भी आपको फल मिल सकते हैं उस भाव के। भाव के साथ स्वामी के साथ जो ग्रह बैठा है उसकी दशा में भी आपको भाव के फल मिल सकते हैं। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि भाव के फल मिलने के चांसेस आपको बहुत रहते हैं। आप यही मत सोचिए कि भाव के फल केवल आपको उस भाव के स्वामी की दशा में ही मिलेंगे, ऐसा नहीं। भाव के कारक, भाव से कारक मतलब थोड़ा बताइए ना सर, भाव के कारक, भाव के कारक का मतलब क्या होता है? भाव के कारक मैंने आपको भाव के स्थिर कारक बताए थे कि भाव का कारक जो होता है, मतलब आप ये समझिए कि एक सेकंड मैं आपको कैसे समझाऊं, मतलब ये मानिए चलिए कि आपका भाव का कारक जो होता है वो मतलब भाव का सर्वे सर्वा वही होता है। हर भाव का एक कारक है जो उस भाव का पूरा लोड होता है, कंप्लीट उस भाव को होल्ड करता है कंप्लीट, और उस भाव में जो राशि होती है वो उस भाव का स्वामी कहलाता है। मतलब वो राशि अगर वहां पे 3 नंबर है तो 3 नंबर राशि का स्वामी हुआ बुध, तो उस भाव का, जैसे सपोज कीजिए आपका पहला नंबर भाव है मान लीजिए, अब पहले नंबर भाव में 3 नंबर राशि है तो स्वामी हुआ बुध, 4 नंबर राशि है तो स्वामी हुआ उसका चंद्रमा, 5 नंबर राशि है तो स्वामी हुआ उसका बृहस्पति, लेकिन पहले भाव का जो कारक है वो हमेशा सूर्य रहेगा। पहले भाव का कारक सूर्य रहेगा, दूसरे भाव का कारक आपका गुरु रहेगा, तीसरे भाव का कारक कौन है? मंगल। मंगल। चौथे भाव का? चौथे भाव का चंद्रमा। चंद्रमा। पांचवे भाव का? गुरु। छठे भाव का?
शनि या मंगल, शनि मंगल। सातवें भाव का शुक्र, शुक्र शुक्र। आठवें भाव का शनि, शनि शनि। हाँ ठीक है, तो नवे भाव का भी इस प्रकार से बुध वो गुरु आ जाएगा, गुरु गुरु। दसवें भाव का शनि, शनि शनि और बुध, शनि और बुध, वेरी गुड। ग्यारहवें भाव का गुरु और बारहवें भाव का शनि, शनि। तो ये स्थिर कारक हैं, मतलब ये तो हमेशा इस भाव के कारक रहेंगे रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जब इनकी दशा चलेगी, इन ग्रहों की दशा चलेगी, तो जिस भाव के वो कारक हैं वहां के फल तो वो देगा ही देगा, उसमें कोई दो राय वाली बात ही नहीं। ये ध्यान रखिए इसके अंदर, आपको एनालिसिस होगी तो आपको और समझ में आएगा। मैं आपको मतलब ये चीज अभी नहीं कि अभी पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको ये चीज बताता रहूंगा बार 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 बताता रहूंगा। जब भी एनालिसिस करूंगा तब दोबारा से आपको बताऊंगा, देखिए ये कारक है और ये चीज वो। तो कारक तो होते हैं, वो स्थिर होते हैं, वो स्टेबल होते हैं, कॉन्स्टेंट है। पहले भाव का कारक सूर्य ही होगा, चाहे वहां कोई भी नंबर राशि बैठी हो। उसका भाव का स्वामी अलग हो सकता है, अगर वहां तीन नंबर राशि है तो बुध हो गया, चार नंबर राशि है तो चंद्रमा हो गया, लेकिन भाव का कारक सूर्य ही रहेगा। तो ये पाइसेस में भी सूर्य ही रहेगा सर, जो है मेन इंपॉर्टेंट इसके अंदर होता है। इसमें मैंने ये बताया था कि अलग ही मैं अभी षटबल में आपको बताऊंगा, थोड़ा सा आपको ध्यान ये देना है कि ये चार इसके अंदर मैंने आपको दिखा रखे हैं। पहले भाव में जुपिटर और बुध, ये आपको जुपिटर और बुध किसी के पहले भाव में हो तो वो भाव बलि हो जाता है, क्योंकि वो भाव के अंदर अपने को बलि महसूस करते हैं। जुपिटर भी बलि हो जाएगा, बुध भी बलि हो जाएगा। इनको, इन ग्रहों को यहाँ पे दिग्बल मिलता है। ग्रह का बल जब निकालते हैं हम, कभी ग्रह बलि है या नहीं है हमारा, तो एक बार ये चेक कर लीजिए कि ग्रह बलि है, जुपिटर या बुध ग्रह है, तो ऐसा तो नहीं कि लगन में बैठा हुआ है। अगर लगन में बैठे हैं तो वो ग्रह बहुत बलि हो जाता है, जुपिटर और बुध केवल। चंद्रमा और शुक्र अगर चौथे भाव में बैठा हो तो बलि हो जाता है, शनि सातवें भाव में बैठा हो तो बलि हो जाता है, और सूर्य और मंगल दसवें भाव में बैठे हो तो बलि हो जाते हैं। ये थोड़ा ध्यान रखना है, ये एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ है मतलब इनकी। बाकी चीज तो बलि आप देख ही रहे हैं कि पाप ग्रहों की दृष्टि है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, किस भाव में बैठा है, उच्च राशि में बैठा हुआ है, अपने मित्र की राशि में बैठा हुआ है, वो चीज तो आप चेक कर ही रहे हैं सारा इसके अंदर। इसके अलावा आप ये भी देख रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि सूर्य जो है वो दसवें भाव में ही बैठा हुआ है, तो दसवें भाव में बैठा हुआ है तो सूर्य को वहां पे भाव में बैठ के दिग्बल मिलता है, भाव में वो अपने को ज्यादा स्ट्रेंथ महसूस करता है, तो वो अच्छे फल देता है। सर इसमें, इसमें राशि चाहे कोई हो, हाँ दसवें भाव में राशि कोई हो, राशि कोई हो, सूर्य को दसवें भाव में दिग्बल मिलेगा। सर जैसे चौथे भाव में अगर शुक्र है और साथ में दो तीन नेगेटिव ग्रह भी हैं, तो भी वो शुक्र को ज्यादा बल है तो शुक्र वहां पर चौथे भाव का फल देगा ही देगा। हाँ शुक्र को ज्यादा बल होने से वो नेगेटिविटी वहां ही कम करेगा थोड़ी। अच्छा, क्योंकि शुक्र बलि हो गया, जब भी शुक्र की दशा आएगी थोड़ा कम नेगेटिव फल देगा। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट था, ये दिग्बल आपको याद रखना है, ये चारों को आप याद रखिए। अच्छा, इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा, एक सेकंड, बहुत सर सर एक चीज पूछनी थी मेरे को। हाँ पूछिए सर। ये जो आपने अभी कारक का बताया, तो हाँ। जो जिस अगर किसी भाव में उसका कारक खुद बैठा हो तो उसको तो अच्छा मानना चाहिए ना। ये अनुपम बोल रहे हो? जी जी हाँ अनुपम। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि एक इसके अंदर एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि भावार्थ रत्नाकर के अंदर एक श्लोक दिया हुआ है, कारको भाव नाशाय। अगर कारक अपने ही भाव में बैठा हो, भाव का स्वामी अपने भाव में बैठा हो तो भाव को बहुत बलि कर देगा, लेकिन कारक अगर अपने भाव में बैठा है तो अपने भाव को बलि नहीं करता, वो भाव में थोड़ा रिजल्ट में कमी करता है, अगर कारक अपने ही भाव में बैठा हो। अगर मान लिया गुरु पंचम भाव में बैठा हुआ है सपोज की, तो गुरु पंचम भाव का कारक हो गया तो वो पंचम भाव के रिजल्ट में थोड़ी कमी करेगा, ये आप ध्यान रखिए। सर जैसे अभी पीछे आपने बोला कि सूर्य जो है दसवें भाव में दिग्बल होता है, और सूर्य कारक है दसवें भाव का, वो पहले भाव का कारक है सूर्य। अच्छा ठीक है, ठीक। अच्छा दसवें भाव में वो दिग्बल होगा, सिर्फ दिग्बल होगा, उसको बल मिलेगा। ठीक है, इसमें ये ध्यान रखने वाला है, ये एक एक्सेप्शन है कि कारक जो है आपका वो
कारक सर वो दसवें भाव का भी तो है सूर्य, पहले भाव का। अगर अच्छा। कारक सूर्य पहले भाव में बैठ जाता है, देखिए मैंने आपको ये बताया कि इसका जो श्लोक है वो ये है, कारको भाव नाशाय, यानी कारक अपने भाव में अगर बैठ जाए तो अपने भाव की वो हानि करता है। ये एक एक्सेप्शन है, ये रिजल्ट आपको नियम याद रखना है। तो चीजें चार पांच नियम मैंने आपको बताए हैं, उसके साथ ये रिजल्ट भी ध्यान रखिए कि कारक अगर अपने भाव में बैठा हो अकेला, अगर किसी के साथ बैठा हो तो नहीं, ये ध्यान रखिए उसके अंदर। अगर कारक अपने भाव में अकेला बैठा हो और किसी से दृष्ट ना हो तभी वो अपने भाव का नुकसान करेगा। गुरु अगर पांचवें भाव में अकेला बैठा हुआ है और गुरु पे किसी की दृष्टि नहीं है तो गुरु नुकसान करेगा पांचवें भाव का। लेकिन गुरु वहां बैठा है पांचवें भाव में अकेला, लेकिन गुरु पे किसी की दृष्टि है, चाहे मंगल की दृष्टि हो, चाहे शुक्र की दृष्टि हो, या किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो, तो उस केस में हम ये नहीं कह सकते कि गुरु अकेला बैठा हुआ है, क्योंकि गुरु मंगल का प्रभाव भी लेके बैठा हुआ है, गुरु शनि का प्रभाव भी लेके वहां पर बैठा हुआ है। तो वो भी ध्यान रखना है कि कारको भाव नाशाय जो मैंने आपको बताया वो जब भी एप्लीकेबल है जब कारक अपने ही भाव में बैठा हो, नंबर वन। नंबर टू, वो किसी ग्रह के साथ ना हो, और नंबर थ्री, उस पर किसी ग्रह की दृष्टि ना हो, चाहे अच्छा चाहे बुरा। हाँ, चाहे अच्छा है चाहे बुरा। सर जो कारको नाश करेगा या जो भी है इसका मतलब जो रूल बुक ये कह रही है कि चाहे दृष्टि और संगत में ना बैठा हो किसी के साथ, राइट सर? तो अगर मान लीजिए एग्जांपल फॉर एग्जांपल गुरु ही पंचम भाव में बैठे हुए हैं, तो पंचम भाव के जितने भी कारक हैं उनमें से कोई एक नाश कर सकता है ना सर? पंचम भाव का कारक गुरु ही है खाली, जितने कारक नहीं है। नहीं नहीं, जितने भाव का कारक केवल गुरु है। नहीं नहीं सर, कारक से मेरा मतलब है कि उसके सिग्निफिकेशंस, पंचम भाव के सिग्निफिकेशंस। अच्छा, स्वतंत्र कारक का जो आप बोल रहे हैं। हाँ, मतलब फॉर एग्जांपल फिफ्थ भाव रिप्रेजेंट चाइल्ड, ज्ञान देखते हैं, वो देखते हैं, सब एवरीथिंग। सो अपेरेंटली उसके अंदर जो कोई एक या दो उसको कर सकता है। उसमें कमी लाएगा, राइट सर? उसमें कमी लाएगा, संतान सुख में कमी करेगा, या आपका ज्ञान में थोड़ा अड़चन डालेगा आपको लेने में, सारी चीजों में कर देगा सर। अकेला है और उसमें किसी की दृष्टि नहीं है, ना ही वो किसी के साथ बैठा है, तब ओनली। नहीं क्या सारी चीजों में कमी कर सकता है? सब चीजों में कमी कर सकता है, वो जो रिजल्ट देगा उसमें कमी कर सकता है, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। खाली खाली संतान पे ही नहीं, जो भी आप नवे भाव से पांचवे भाव से आप देखते हो चीजें, उनके अंदर कमी लाएगा, मतलब नुकसान नहीं करेगा। मैंने आपको ये बताया कि देखिए कमी लाना और नुकसान करना दोनों चीजें अलग है। नुकसान करना तो ये होता है कि भाई आपको विपरीत रिजल्ट दे दिया, आपको रिजल्ट उसने बुरे दे दिए, तो वहां पर वो क्या है कि वो रिजल्ट जो अच्छे मिलने वाले थे आपको, उन अच्छे रिजल्ट्स में कमी आ जाएगी आपके। अगर कारक अपने ही भाव में बैठा है तो उस भाव के रिजल्ट अगर आपको अच्छे मिलने हैं तो उनके अच्छे रिजल्ट्स में कमी आ जाएगी, अगर कारक पे कोई साथ नहीं बैठा और कारक को कोई देख नहीं रहा। और अगर कारक वहां बैठा है और कारक जो है को ग्रह देख रहे हैं, कारक किसी शुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ है, तो कोई समय लगाना ही नहीं है, तो फिर हमको सीधा भाव और भावेश देखना है और कारक देखना है। कारक को उस केस में देखना है जब वो अकेला हो खाली, कि अकेला ना हो कारक उस भाव में, अकेला होगा तो उस भाव के कारकत्वों की हानि कर सकता है अपनी दशा में। जब उसकी दशा आएगी तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, गुरु की दशा आएगी तो संतान से समस्या हो सकती है, संतान आपकी बात ना माने, संतान से आपकी नाराजगी हो जाए, या गुरु की दशा आएगी तो ज्ञान अगर आप कहीं अर्जित कर रहे हैं, आप कोई चीज ले रहे हैं तो उसके अंदर अड़चन आ सकती है, या गुरु की दशा में आपको धन में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ये सब चीजें हो सकती हैं क्योंकि कारक उस भाव में बैठा हुआ है और अकेला बैठा। सर एक क्वेश्चन। हाँ पूछिए पूछिए। सर अगर पांचवे भाव का स्वामी और गुरु बैठा भी है पांचवे भाव पे, तो मतलब आप कहना चाह रही है कि पांचवे भाव का स्वामी भी गुरु है और पांचवे भाव में बैठा है? हाँ जी, ये क्वेश्चन है ना। पर देखिए अगर वो पांचवे भाव का स्वामी भी है, हाँ जी, फिर तो कारक को भूल जाइए। अच्छा, अगर वो पांचवे भाव का स्वामी भी गुरु ही है बाय चांस कुंडली में, पांचवे भाव में 9 नंबर राशि है या पांचवे भाव में 12 नंबर राशि है, तो पांचवे भाव का स्वामी भी गुरु हो गया और पांचवे भाव का कारक भी गुरु हो गया और पांचवे भाव में वो बैठा हुआ है, उसको भूल जाइए, फिर उसमें कुछ नहीं है, वो पांचवे भाव की वृद्धि करेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वो तो नियम आपका है, पहला नियम आपका ये है कि भाव का स्वामी भाव में बैठा हो या भाव का स्वामी भाव को देख रहा हो तो उस भाव की वृद्धि करता है। ठीक, तो गुरु अगर अपने भाव में बैठा हुआ है तो वृद्धि करेगा भले ही वो कारक हो उस भाव में। ठीक है, ये ध्यान रखिए। थैंक यू। अच्छा, अब इसमें एक चीज और पूछनी थी सर, इससे रिलेटेड ये है, ये तो हमने देखा कि जो
मतलब जो कारक है वो अपने ही भाव में बैठा हो तो वो उसको जो है थोड़ा रिड्यूस करेगा। इसमें अगर भावेश हो, मान लीजिए पांचवे घर का जो कारक है वो गुरु है और यहाँ पे वो राशि बैठी हो जिसका स्वामी गुरु है, मतलब तो इसका भावेश गुरु हो गया, तो उस केस में क्या होगा? हाँ वही मैंने आपको बताया ना कि उस केस में आप कारक वाली बात को भूल जाइए, आप ये मानिए कि आपका भाव बलि हो गया, क्योंकि वो एक एक नियम हमारा ये भी है कि भाव का स्वामी भाव में हो तो भाव बलि होता है, तो उस केस में आपको भाव को बलि मानना पड़ेगा, ना कि भाव का नुकसान आप समझेंगे, जब भले ही कारक वहां अकेला बैठा हो और कोई उसको देख ना रहा हो, क्योंकि वो एज ए भावेश बैठा है वहां पे, और एज ए भावेश भाई देखिए ना, चाहे वो डॉन हो चाहे कोई भी हो, अपने घर का नुकसान तो करेगा नहीं ना किसी हालत में, अगर वो अपने घर में बैठा है अपने घर को देख रहा है तो वो अपने घर को तो बलि बनाएगा, अच्छा बनाएगा, तो वो तो किसी कीमत पे नुकसान करेगा ही नहीं, करेगा करेगा ही नहीं, चाहे वो कारक हो। लेकिन अगर वो कारक है और भावेश नहीं है और सिंगल बैठा है और कोई देख नहीं रहा, तब उस भाव की हानि कर सकता है। अगर गुरु जी वो नवमेश होकर मतलब बैठा हो तो भी विकास, तो भी मतलब कारक के रूप में, अगर सिंगल कारक के रूप में वो बैठा है, चाहे वो नवमेश होकर बैठा हो चाहे कैसी वो बैठा हो, लग्नेश होकर बैठा हो, वो तो वहां पे थोड़ा प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा, करेगा फलों में कमी लेकर आएगा अगर कारक है, क्योंकि वो सिद्धांत तो है। ठीक ठीक। अच्छा सर, थोड़ा नक्षत्रों के बारे में, थोड़ा अंतर्दशा का फलित नक्षत्रों से बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा हम इसको टच करेंगे कि अंतर्दशा को कैसे देखते हैं नक्षत्रों के द्वारा। ये मेरे ख्याल से पीछे कुछ क्वेश्चन भी था, उसका अनुपम क्वेश्चन था किसी क्लास के अंदर, वो पूछ रहा था कि सर ये बताइए कि ग्रह किसी राशि में है और राशि में 2.25 नक्षत्र हैं, उनमें से किसी पर्टिकुलर नक्षत्र में बैठा हुआ है वो, तो क्या रिजल्ट होगा क्या नहीं होगा। तो मैंने कहा था कि बाद में इसको देखेंगे बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, अभी राशि याद रखो। तो ये यहाँ पर वो चीज वाली बात है जरा सा, कि ग्रह किसी राशि में बैठा है तो आपको ये पॉजिटिव दिख रहे हो, आपको किस नक्षत्र में बैठा है वो भी आप चेक कर रहे हो, उसके बेस पे आप दशा का फल डिसाइड कर देखते हो कि दशा के फलों में कमी आएगी या बढ़ोतरी होगी। ये दशा का फल देखने का सिंपल फार्मूला, सिंगल फार्मूला नहीं है, ये ध्यान रखिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये दशा फल देखने का सिंगल फार्मूला नहीं है, ये सिर्फ ये बताएगा कि फलों में कमी आएगी या नहीं। अगर आपको भाव भावेश और कारक के हिसाब से फल बहुत अच्छे मिल रहे हैं और इसके हिसाब से जो नक्षत्र द्वारा है इसके हिसाब से फलों में थोड़ी गड़बड़ हो लग रही है तो फलों में थोड़ी कमी आएगी, ऐसा नहीं कि आपको नुकसान हो, ये मत सोचिए, फलों में कमी आएगी। तो कैसे अंतर्दशा से हम फलित नक्षत्रों के द्वारा देखते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। देखिए 27 नक्षत्र हैं हमारे, ये आपको मालूम ही है, और इनको गिनने का तरीका वही बेस्ट है कि अश्वनी से अश्लेषा। देखिए नक्षत्र आप थोड़ा सा मतलब जब भी आप बैठे ना प्लीज वो नक्षत्र की लिस्ट लेकर जरूर बैठे साथ में, क्योंकि मुझे खुद मालूम है कि नक्षत्र आपको, इवन मुझे भी अभी तक पूरी तरह से याद नहीं होते, लगातार कोई एक बार पूछे तो एक बार में नहीं, दो या तीन बार में बोलता हूं, तो आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको ना रटे हुए हो नक्षत्र वगैरह, लेकिन इसकी लिस्ट साथ में लेके हमेशा बैठा कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने लिस्ट आपको भिजवाई थी ऑनलाइन, एक लिस्ट भिजवाई थी मैंने, उस नक्षत्र उस लिस्ट में दे रखा था कि ये राशि है, इस राशि में ये नक्षत्र है, तो उससे आपको सारा मालूम चल रहा था, वो बताया था मैंने आपको, तो वो लिस्ट आपके पास होगी। नहीं आपके पास है, किसी को नहीं मिल पा रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं दोबारा आपको भेज दूंगा, लेकिन नक्षत्र इसकी लिस्ट लेके जरूर साथ बैठिए। तो हमारे 27 नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्रों के अलग अलग स्वामी हैं, और हर स्वामी को, हर ग्रह को 3-3 नक्षत्र दिए गए हैं, क्योंकि 9 ग्रह हैं तो उनको 3-3 ग्रहों का स्वामित्व दिया गया है, जैसे केतु को अश्वनी मघा और मूल, इन 3 ग्रहों का स्वामित्व दिया गया है, शुक्र को भरणी पूर्व फागुनी और पूर्व आषाढ़ा, इन ग्रहों का स्वामित्व दिया हुआ है, और इन्हीं के ऊपर दशा का डिपेंड करती है। सपोज किए किसी बच्चे का जन्म हुआ और बच्चे का जन्म हुआ तो देखा कि चंद्रमा जो है वो मूल नक्षत्र में था, तो मूल का स्वामी कौन हुआ, केतु, इसका मतलब केतु की 7 साल की दशा उसको चलेगी पहले जन्म के समय। ये याद है या भूल गए हो? भूल गया है। अरे थोड़ा याद है सर। मैडम थोड़ा इसको रिवाइज करते रहो प्लीज। याद है सर। पढ़ के इसमें मैंने आपको ये बताया था कि जब भी जन्म के समय की दशा हम देखते हैं कि बच्चा जब पैदा हुआ तो उस पर कौन सी दशा चल रही है, तो उसको निकालने का तरीका ये होता है कि वो देखें कि नक्षत्र में वो पैदा हुआ बच्चा, उस नक्षत्र का स्वामी कौन है। अगर बच्चा अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुआ तो स्वामी केतु हो गया,
बच्चा मान लिया कि आप देखते हैं कि पूर्व फागुन नक्षत्र में पैदा हुआ है आपका, तो पूर्व फागुन नक्षत्र का मालिक कौन होता है? शुक्र। शुक्र आपको सॉफ्टवेयर से मालूम पड़ जाएगा। तो शुक्र की दशा 20 साल की होती है, यानी पहली दशा उसको 20 साल की मिली शुक्र की बच्चे को जन्म के समय से, और उस नक्षत्र में वो कितना चल चुका है या कितना जा चुका है वो डिपेंड करता है कि कितनी दशा आपकी निकल गई कितनी आपको और भोगनी है। मन लेकिन मोटा मोटा आप ये समझिए कि जिस नक्षत्र में बच्चा पैदा होता है उस नक्षत्र के स्वामी की दशा आपको मिलती है स्टार्टिंग में जन्म के समय, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो ये सभी नक्षत्र मैंने 27 नक्षत्र यहाँ लिखे हुए हैं और ये तीन तीन का हिस्सा बनाया हुआ है, 1, 10 और 19, यानी 1 नंबर, 10 नंबर का मतलब हुआ 1+0 1 नंबर, 19 नंबर का मतलब हुआ 1+9 10 और 1+0 1, यानी तीनों अगर एक नंबर वाले ग्रह हों तो वो केतु के अंडर में आते हैं, ये ध्यान रखिए। 2 नंबर वाले ग्रह सारे 2, 1, 1, 2, 2+0, 2, ये सारे शुक्र के अंडर में आते हैं, भरनी, पूर्व फागुनी और पूर्व अषाढ़ा। तो आपको इतना भी याद रख लेंगे कि 2 नंबर वाले ग्रह शुक्र के अंडर में, 1 नंबर वाले ग्रह केतु के अंडर में, तो बस उसमें ये ध्यान रखनी पड़ेगी। जब 1 नंबर का ग्रह केतु के अंडर में देखोगे आप केतु के अंडर में कौन कौन से ग्रह हैं, तो आप जस्ट देखिए, पहला देखिए, फिर 10वां देखिए, फिर 19वां देखिए, जिससे नंबर एक ही बनता है। समझ आ रहा है? हेमलता जी है क्या? किरण जी? यस सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है सर। कहीं भी कोई जरा सा भी मतलब कंफ्यूजन हो पूछ लीजिएगा प्लीज, है ना, एकदम जी सर थोड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि 27 नक्षत्र सर, अगर किसी का जन्म कृतिका नक्षत्र में हुआ है हाँ, तो इसका मतलब है कि जन्म के समय उसकी सूर्य की दशा चल रही थी, राइट? बिल्कुल। और क्योंकि कृतिका पहला है इस वाली लाइन में, तो इसका मतलब वो पहले 2 साल में ही चल रही थी अभी सूर्य के, क्योंकि उसके बाद उत्तर फागुनी और उत्तर शाड़ा जो है वो बाद वाले ग्रह हैं। नहीं क्या ऐसा कहते? नहीं, अच्छा, वो चरण देखने पड़ते हैं ना, वो अलग चीज, देखिएगा थोड़ा सा। मतलब ये है कहने का कि जैसे सूर्य बच्चा या तो कृतिका में पैदा हो बच्चा, या उत्तर फागुनी में पैदा हो या उत्तर आषाढ़ में पैदा हो, तो उस पर सूर्य की दशा चलेगी और 6 साल की चलेगी। इस बात से मतलब नहीं है कि कृतिका की 2 साल की, फिर उत्तर फागुनी की 2 साल की, उत्तर आषाढ़ की 2 साल की, ऐसा नहीं। किसी भी इन तीनों नक्षत्रों में से किसी भी नक्षत्र में पैदा हुआ हो बच्चा, या जन्म के समय इन तीनों नक्षत्रों में से किसी एक नक्षत्र में चंद्रमा हो, तो सूर्य की दशा होगी और वो 6 साल की दशा होगी। वो दशा कितनी होगी कितनी नहीं होगी वो डिपेंड करता है चंद्रमा की डिग्री के ऊपर। वो मैंने पीछे आपको वीडियो बताया, उस वीडियो को प्लीज एक बार देख लीजिएगा दशा का, जहां मैंने आपको अंतरदशा निकालने का सिखाया है कि दशा कैसे निकालते हैं, अंतरदशा कैसे निकालते हैं और ये कैसे निकालते हैं जन्म के समय की दशा। वो मेरे ख्याल से 1 या 2 वीडियो क्लास पहले ही है, उसको एक बार देख लीजिए, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। वो जरूर ध्यान से रखिए क्योंकि वो आपको हमेशा याद रखना है कभी भी। इसके बाद आपको क्या करना है, ये मैं आपको नक्षत्रों के हिसाब से बता रहा हूं। अभी तो आपने चेक कर लिया, भाव चेक कर लिया, भावेश चेक कर लिया, कारक चेक कर लिया, ये सब चीजें आपने चेक करनी। अब आपको चेक करना है नक्षत्रों के हिसाब से कि आपकी अंतरदशा कैसी जाएगी या दशा कैसी जाएगी, वो चीज आपने चेक करनी है। तो सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि देखिए, 2 चीजें हैं आपकी, महादशानाथ और आपका अंतरदशानाथ। मेन चीज इन 2 को लेते हैं हम लोग हमेशा, कि महादशा को ले लिया जो इंसान की प्रकृति को चेंज करता है पूरा, एक अंतरदशा को ले लिया जो इंसान को रिजल्ट देता है उस वक्त के, जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही होती है वो प्रेजेंट के रिजल्ट देता है। तो महादशा का नाथ का नक्षत्र देख लीजिए कि महादशानाथ जो आपका है, सपोज कीजिए महादशानाथ मंगल है, तो आप चेक कर लीजिए कि मंगल आपके किस नक्षत्र में, और जिस ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही है उसको देखिए किस नक्षत्र में है। सर जी, सर सर, जो ये महादशा की और अंतरदशा की नक्षत्र देखने हैं, जो प्रेजेंट वाले देखने के लगन वाले देखने? हाँ, लगन कुंडली के जो आपके हैं, ठीक है, उचक के नहीं देखने आपने, लगन कुंडली के नक्षत्र देखने हैं कि आपका, सपोज कीजिए महादशा चल रही है मान लीजिए शुक्र की, ठीक है सर, तो आप देखिए कि शुक्र का मतलब जो आपका शुक्र है नक्षत्र किस नक्षत्र में है, ठीक है सर, समझ गए। तो जन्म के समय के नक्षत्र आपने देखने हैं, यानी जो महादशानाथ है, कोई भी महादशानाथ हो सकता है आपका, कोई भी ग्रह, वो चेक कीजिए कि वो किस नक्षत्र में है, वो नोट कर लीजिए वो नक्षत्र, प्रेजेंट के नहीं करने। हाँ, फिर देखिए कि अंतरदशानाथ जो है आपका वो किस नक्षत्र में है, वो नोट कर लीजिए, ठीक है सर, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए, इसी में देते हैं कि महादशानाथ हमारा छोटी नक्षत्र में है, मान लिया कि जिस ग्रह की महादशा चल रही है
वो जन्म के समय अश्विनी नक्षत्र में था, जन्म के समय, ये ध्यान रखिए लग्न कुंडली में। ठीक है ठीक है ठीक। और जिस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है वो जन्म के समय रोहिणी नक्षत्र में था, चौथे नंबर पे। हाँ जी ठीक है। हाँ तो अब होगा क्या, तो आप ये चेक कीजिए कि महादशानाथ किस नक्षत्र में है और अंतर्दशानाथ किस नक्षत्र में है, और वहां से फिर काउंट कीजिए। अब जैसे मान लिया जैसे रोहिणी से अश्विनी तक जाना, जैसे अश्विनी मान लिया महादशानाथ आपका अश्विनी नक्षत्र में है, जैसे मैंने आपको बताया कि महादशानाथ आपका अश्विनी नक्षत्र में है और ये अश्विनी नक्षत्र में है महादशानाथ, और अंतर्दशानाथ आपका रोहिणी नक्षत्र में है सपोज कीजिए, तो यहां से काउंट कीजिए कितना हुआ, एक दो चार तीन और चार, ये चार काउंट कर लीजिए आप। अश्विनी महादशा का नक्षत्र है और रोहिणी अंतर्दशा का, ठीक है। तो महादशा के नक्षत्र से अंतर्दशा का नक्षत्र जो है उसको चेक कर लीजिए कितने नंबर पे है आपका। अगर रोहिणी होता तो फिर सारा घूम के अश्विनी पे आना था, फिर अश्विनी पे आना, ठीक आप समझ गए ना। तो ये आप चेक कीजिए, वो मैं बताऊंगा आपको अभी आगे कि आप महादशा जहां आपका महादशानाथ का नक्षत्र है, सपोज कीजिए कि यहां पे आपका महादशानाथ का नक्षत्र रोहिणी में है मान लिया, हां जी, और अंतर्दशा जो है आपका वो अश्विनी में है, फिर ये सारा चार पांच छह सात आठ नहीं काउंट करना आपको, फिर सारा काउंट करना है रोहिणी, हाँ जी वही रोहिणी से मृगशिरा आद्रा पुनर्वसु कुछ ये सारा काउंट करते हुए फिर आप अश्विनी भरणी कृतिका और इस पाएंगे अश्विनी पाएंगे, ठीक है। हाँ जी हाँ जी समझिए। तो आपको ये चेक करना है कि आपका महादशानाथ किस नक्षत्र में है, अंतर्दशानाथ किस नक्षत्र में है, और उस नक्षत्र से महादशानाथ नक्षत्र से अंतर्दशा नक्षत्र कितने नंबर पे आता है, काउंट करता है, वो काउंटिंग का नंबर आप नोट कर लीजिए। वो नंबर आ सकता है आपका चार, वो नंबर आपका आ सकता है एक, वो आपका पांच आ सकता है, सात आ सकता है, नौ, कुछ भी आ सकता है, एक से सत्ताईस तक कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अगर वो संख्या नौ से बड़ी है, अगर वो संख्या नौ से बड़ी है तो नौ से भाग कर लीजिए। अगर मान लिया दस आ गया जैसे आप दसवें नंबर पे है या ग्यारहवें नंबर पे है तो नौ से भाग कर दीजिए, जो बैलेंस आए उसको मान लीजिए कि हाँ ये सेकंड नंबर पे, ऐसे करके मान लेते हैं, फिर समझ लीजिए ठीक कि नहीं 25 आ गया मान लो, 25 आ गया, हाँ 25 को 9 से करना है भाग, 25 को 9 से डिवाइड कीजिए तो 9 दूनी 18, 18 जब आया 7 बचा, अब 7 बचा तो आप मानेंगे कि 7वीं डिस्टेंस पे है, ठीक है। अच्छा क्योंकि 9 चढ़ चुका, 9 चढ़ चुका 7वां आ गया, तो 7वीं डिस्टेंस मान लेते हैं उसकी, वैसे काउंट ठीक है। तो ये एक चीज ध्यान रखते हैं, इसमें ये ध्यान रखना है कि महादशानाथ नक्षत्र किस नक्षत्र में है वो, अंतर्दशानाथ किस नक्षत्र में है वो, फिर महादशानाथ के नक्षत्र से अंतर्दशा का नक्षत्र गिरी काउंट कीजिए जितने भी नंबर पे वो आए, अगर वो नौ से कम है तो ठीक है, अगर नौ या नौ से अधिक है, नौ तक है तो ठीक है, अगर नौ से अधिक है तो नौ से डिवाइड कर लीजिए, जो बैलेंस आए वो वाला बैलेंस ले। सर इसमें जैसे 25 बताया, हाँ इसको डिवाइड करना है 9 के साथ सर, तो 2.77 आ गया सर। देखिए ना ऐसा नहीं, आप उसको बिल्कुल होल नंबर डिवाइड मत कीजिए, मैं बताता हूँ आपको इसके क्या रिमाइंडर लेना सर, रिमाइंडर लेना, हाँ रिमाइंडर लेना है, जैसे मैंने आपको बताया ना, देखिए 9 नक्षत्र ये नंबर 25 आ रहा है मान लिया, सपोज कीजिए ऐसी सुन लीजिए आप, चलिए देखिए किसी का नक्षत्र महादशा का अश्विनी है, ठीक है, और अंतर्दशा का नक्षत्र जो है आपका पूर्व भाद्रपद है, सपोज कीजिए अंतर्दशा नक्षत्र जो है पूर्व भाद्रपद है, तो आपने देखा कितना, यानी 9 तो ये पूरे हो गए, 9 ये पूरे हो गए इधर 18, और इधर ये 7वां नंबर पर आ गया, 7th नंबर पर आ गया, तो आपने मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपने नक्षत्रों को 1 से 9 नंबर के बीच में लाना है आंसर, ठीक है, आपने नक्षत्रों का आंसर 1 से 9 के बीच में लाना है, आप 25वें नंबर पे हो तो 9 से डिवाइड कर लीजिए, बैलेंस बचे उतना नंबर मान लीजिए, और 9 से कम हो या 9 हो तो 9 मान लीजिए, या 9 से कम हो तो उतना मान लीजिए, 4 हो तो 4 मान लीजिए, 5 हो तो 5 मान लीजिए, 1 हो तो 1 मान लीजिए। सर हमें रिमाइंडर लेना है, दैट्स इट, सीधा नहीं करना, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको वैल्यू जो है वो 9 या 9 से कम लानी है, उसका क्या करना है आप बता रहा हूँ मैं। तो महादशानाथ का नक्षत्र आपने देख लिया, मान लिया महादशानाथ का नक्षत्र आपका अश्विनी है, अंतर्दशा का नक्षत्र आपने देखा तो 25 नंबर नक्षत्र है, तो एक तरीका तो यह है कि 25 को 9 से डिवाइड कर लीजिए आप,
और सीधा देख लीजिए कितना आपका 18 आपका डिवाइड हुआ, 7 बैलेंस आ गया, 7 आ गया। सकते हैं कि 7 नंबर आपका आ गया। तो हमको ये काउंट करना है 1 से 9 के बीच में, मादशा नक्षत्र और अंतक्षर नक्षत्र। अब क्या करना है, इसमें ये काउंट करना है, ये मैंने आपको पीछे बताया है इसके अंदर कि 9 से अधिक आए तो 9 से भाग दे दें और शेष फल देख लीजिए आप खाली इसके अंदर। अगर ये वैल्यू आपकी 3, 5 और 7 आ रही है, ये वैल्यू आपकी 3, 5 और 7 आती है तो वो अंतरदशा आपकी कष्ट कारक हो सकती है। ठीक है सर, 3, 5, 7 ही रहेगी। ठीक है, तो 3, 5 और 7 ये वैल्यू अगर आपकी आती है महादशानाथ के नक्षत्र से, अंतरदशानाथ का नक्षत्र काउंट कर लो, और अगर ये वैल्यू 3, 5 या 7 आती है तो वो जो दशा है वो प्रॉब्लमेटिक रहेगी। रहेगी क्या, हो सकती है, हो सकती है, मतलब इट मे बी इट मे नॉट बी इसका असर पड़ता है, लेकिन इसका राइट कुछ ना कुछ कमी ये लेकर आती है दशा में। मान लिया आपका सब चीज आपने चेक किया, भाव चेक किया, भावेश चेक किया, कारक चेक किया, एवरीथिंग वाज वेरी फाइन, और आपने कहा कि दशा आपकी बहुत पतला, लेकिन बाय चांस जो महादशानाथ और अंतरदशा का नक्षत्र है आपस में जो वैल्यू आ रही है वो 3, 5 और 7 आ रही है, तो आप कह सकते हैं कि उस दशा में उसके फलों में कमी आ सकती है। फल कितने परसेंट है, ऐसी दशा में आदमी को कष्ट हो सकता है, थोड़ा घर में चोरी हो सकती है, ये फल दीपिका में लिखा हुआ है। सर कितने परसेंट होगा नुकसान, कुछ नहीं होती, बहुत लोग सबके घरों में वीडियो कैमरा लगे हुए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मतलब आदमी का थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। कहने का मतलब पूछना था सर, जैसे अपने जन्म नक्षत्र से अपन 3, 5, 7 नक्षत्र निकाल दें ना, तो 3, 3, 3 करके नक्षत्र आते हैं, तो वो तो हमेशा खराब रहेंगे ना, एक्चुअली वो भी एक मेथड है ना सर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो ज्यादा आसान रहता है ना। हाँ, ये रहेगा, आप जरा बताइए, जैसे कि अपना जन्म नक्षत्र, जैसे कि मेरा पुष्य नक्षत्र है जी, तो पुष्य से गिनते गिनते जाएंगे तो पुष्य के बाद जो तीसरा आएगा वो, पांचवा आएगा वो और सातवा आएगा वो, बिल्कुल हाँ ऐसे ही। 9 नक्षत्र और एक जी, और एक 19वां अधान तारा भी होता है, वो भी अच्छा नहीं होता है ना, वो जन्म तारा ही रहता है। हाँ वो मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी अधान तारा उसका मैं अभी मैं आपको कुछ 9 तारों के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ उसके अंदर। तो मतलब ये है कि जो तरीका आपको बताया या जो मैडम ने आपको बोला अभी, इस तरीके से आप देख लीजिए कि आपकी वैल्यू 3 आती है, 5 आती है या 7 आती है। अगर 3, 5 या 7 नंबर वैल्यू आती है तो आप उसको ये मानिए कि वो वैल्यू आपकी ठीक नहीं है। वो क्यों ठीक नहीं है मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसमें क्या है, हमारा एक तारा चक्र होता है, तारा चक्र बोलते हैं हम, उसके अंदर हमने हर चीज को 9 तारों में डिवाइड किया हुआ है। एक तारा होता है जन तारा, एक होता है संपत तारा, एक होता है विपत तारा, एक होता है शेम तारा, एक होता है प्रत्यारी तारा, एक होता है साधक तारा, एक होता है वध तारा, एक होता है मित्र तारा, एक होता है परमित्र तारा। ये 9 तारे हमारे होते हैं। अब देखिए जन तारे के अंदर क्या हमने संख्या दी हुई है, 1, 10 और 9, 19। ये जन तारे के अंदर दी हुई है हमने 1, 10, 19। संपत में हमने 2, 11 और 20, यानी 2 नंबर वाली, बेसिकली ये 2 नंबर हो गया, 11 का भी आपका 1, 1 2 नंबर हो गया, 2+0 भी आपका 2 नंबर हो गया। तो ये आपके 9 तारे होते हैं। अगर जन तारे में कोई बच्चा पैदा होता है, जन तारा मतलब कहने का ये है कि उसका नक्षत्र आपका पहला हो, 10वां हो या 19वां हो, तो वो उसका जन्म नक्षत्र कहलाता है। समझ में आया, चंद्रमा जिस नक्षत्र में है वो चेक कर लीजिए, आपके वो पहला नक्षत्र है, 10वां है, 19वां है, तो वो आप जब चेक करेंगे तो आप ये देखेंगे कि भाई ये इसका नक्षत्र जो है 10वां नंबर है या 19वां नंबर है, तो आपका वो जन्म तारा कहलाएगा आपका। अगर ऐसी प्रकार चेक करेंगे कि अगर नक्षत्र नंबर 2 आ रहा है आपकी वैल्यू, नंबर वैल्यू आपकी 11 आ रही है, 20 वैल्यू आपकी आ रही है, तो आपका नक्षत्र आपका संपत है। तो दो, अब जैसे मैंने आपको पीछे अभी 7 नंबर वैल्यू के बारे में बताया था, 25 के बारे में, जैसे 25 के बारे में बताया था, देखिए 7 नंबर हो, 16 नंबर हो या 25 नंबर हो, तो 7, 16 और 25 ये तीनों, 3 नंबर विपत तारा, 5 नंबर प्रत्यारी तारा और 7 नंबर वध तारा, ये तारे ऐसे हैं जो आदमी की लाइफ में ऑब्स्टेकल्स खड़ा करते हैं, आदमी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। विपत तारे की
अगर आएगा तो वो विपत्ति, विपत्ति मीन्स विपत्ति होता है। तो विपत्ति आने की दशा अगर आती है महादशानाथ में और अंतदशानाथ में, अगर 3 नंबर का फर्क हो, 12 नंबर का फर्क हो या 21 नंबर का फर्क हो नक्षत्रों में, तो वो आपकी दशा ठीक नहीं होगी। यानी महादशानाथ से अंतदशानाथ जो बैठा है वो 3 नक्षत्र में हो, 12वें में हो या 21वें में हो, तो वो दशा ठीक नहीं होती। उस दशा में प्रॉब्लम हो सकती है, फल मिलते तो हैं लेकिन बहुत ऑब्स्ट्रक्शन से मिलते हैं। आपको विपत्ति आती है फल में, ऐसा नहीं कि फल नहीं मिलेंगे, फल मिलेंगे आपको लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन बहुत आती है उसके अंदर। तो छेम तारा जो होता है वो तारा ऐसा होता है, जैसे आपको ध्यान है कि पुराने जमानों में हम लोग खत लिखा करते थे कि आशा करता हूँ कि आप कुशल क्षेम से होंगे, ये तो सेम तारा मतलब बेटरमेंट के लिए होता है। अगर ये तारा आ रहा है आपका तो ठीक तारा कहलाता है आपका। एक प्रत्यरी तारा होता है, प्रत्यरी वाला जो तारा होता है वो लड़ाई झगड़ा रुकावट के बारे में होता है, तो ये तारा भी अच्छा नहीं है। यानी महादशानाथ के नक्षत्र से अंतदशा का नक्षत्र यदि 5वें नंबर पे हो, 14वें नंबर पे हो या 23वें नंबर पे हो, तो वो लड़ाई झगड़ा रुकावट वगैरह पैदा करता है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसी प्रकार से साधक तारा अच्छा होता है, साधक मीन्स उद्देश्य कंप्लीट करना। वध तारा जो होता है, वध मीन्स किसी भी काम का एंड, या कोई प्रोजेक्ट का एंड होना, आपका कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, आपका प्रोजेक्ट का एंड हो गया, एंड मीन्स नेगेटिवली एंड हो गया, उसका पॉजिटिव एंड नहीं कि आपने कंप्लीशन कर दिया, मतलब आप प्रोजेक्ट चला रहे थे लेकिन उस प्रोजेक्ट में आपको बहुत नुकसान हुआ और आपको प्रोजेक्ट को बाइंड अप करना पड़ा, तो वो तारा वध होता है। तो आपको ये भी चेक करना है कि ऐसा तो नहीं कि महादशानाथ और अंतदशानाथ के नक्षत्र के जो आ रहा है वो वध तारा आ रहा है। वध तारा कैसे देखेंगे कि महादशानाथ का नक्षत्र देखिए और अंतदशा का नक्षत्र देखिए। महादशानाथ के नक्षत्र से अंतदशा का नक्षत्र यदि 7 नंबर पे है, 16 नंबर पे है या 25 नंबर पे है, तो मृत्यु तल्लुक हो सकता है और बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है वह तारे के अंदर। उसके बाद मित्र तारा है 8, 17 और 26, ये मित्र तारे कहलाते हैं। परम मित्र तारा है 9, 18 और 27, ये बहुत बढ़िया कंडीशन होती है मित्र तारा और परम मित्र तारा। अगर अंतदशानाथ के बीच में, महादशानाथ और अंतदशानाथ के बीच में अगर मित्र तारा या परम मित्र तारा हो तो अच्छी कंडीशन होती है। नॉर्मली ये देखा गया है कि महादशानाथ के बीच में और अंतदशानाथ के बीच में 3 नंबर वाला तारा यानी विपत, प्रत्यरी और वध, ये 3 तारे नहीं होने चाहिए, बाकी ठीक है, इतना डिस्टेंस नहीं आना चाहिए बस। समय में आया अनुपम? हाँ जी सर। हाँ बोलिए। हेलो, ये सर बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाला तारा चक्र। मैं अपना जो डेली का जो हॉरोस्कोप होता है वो इससे देखता हूँ, 100% काम करता ही। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, उसके अंदर इसके रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलते हैं अभी। बल्कि हमारे जो गुरुजी हैं, जो जिनसे हम लोगों ने पढ़ा था, वो इसके ऊपर हमसे रिसर्च करवा रहे हैं। तो हमने बहुत सारी कुंडलियों में देखा, करीब 150-200 कुंडली में हम लोगों ने इस चीज को लाया है तारा चक्र हमने, तो इसके अंदर वास्तव में प्रॉब्लम मिलती है। कि अगर आपका सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो आपको किसी टाइम में मतलब प्रॉब्लम तो होगी। अगर 3 नंबर तारा आपका आ रहा है तो फल आपको ऑब्स्ट्रक्शन से मिलेंगे, मिलेंगे फल तो मिलेंगे आपको, चूंकि आपका भाव अच्छा है, भाविष अच्छा है, कारक अच्छा है, तो फल तो आपको मिलने हैं, लेकिन बहुत रुकावटों से फल आपको मिलेंगे। सर मेरे ना नोन, मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ जी। मेरे नोन है, उनका बेटा, उनकी जो बहू थी उसकी डेथ हो गई, तो मैंने उनकी लड़की की भी और लड़के की भी कुंडली देखी, उसमें मैं ये तारा चक्र देखा। जिस दिन को डेथ हुई थी 2018 में, लड़की की जो जन्म कुंडली में उस दिन वध तारा में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र था। हाँ। और लड़के के जो प्रति तारा उसमें उसका उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आ रहा था। बिल्कुल, ये काम करता है 100, बहुत काम करता है, ये बहुत काम करता है, ये हमने अपनी रिसर्च के अंदर भी देखा है कि ये काफी 100 में से 200% काम करता है। ये यूजफुल टेक्निक है, बहुत बहुत यूजफुल टेक्निक है। लेकिन ये लेकिन मैं ये बताऊंगा आपको अभी भी कि दिस इज नॉट द ओनली वे टू सी द रिजल्ट। रिजल्ट आपका देखने का तरीका वही आपको रखना है कि दशा आपकी कैसी है, महादशानाथ अंतदशानाथ आपके कहाँ के स्वामी बैठे हैं, कहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ देख रहे हैं, उनके बीच में क्या एक्सिस है, 6-8 का एक्सिस तो नहीं, मैंने एक्सिस पढ़ाया आप लोगों को? हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ, उनके बीच में 6-8 का एक्सिस तो नहीं है, ये तो प्राइम इम्पोर्टेंस हमारी है। ये सब चीज देखने के बाद देन हमें देखना है कि तारा कैसा, चक्र कैसा आ रहा है। सर मैंने 10 कुंडल उसमें 3, 5 या 7 नंबर वाला आ रहा है। हाँ जी, तो वो ठीक नहीं है, वो मतलब उसके रिजल्ट्स में कमी करेगा।
सर मैंने 10 कुंडलियों में देखा है ये काम करता है। हाँ। और दसों में जिस वो 10 बंदे यानी कि इस दुनिया में नहीं है अब, उस दिन तारा उनका या तो वध में आ रहा था या प्रेतरी में आ रहा था। और मैंने पढ़ा है कि जो विपत है वो 25% और प्रेतरी 50 और वध तारा सबसे खतरनाक है। वध तारा तो सबसे खतरनाक है ही, क्योंकि वध का मतलब होता है कि एंड ऑफ एक्टिविटी, आपके जीवन का भी एंड हो सकता है, आपके जो कोई प्रोजेक्ट आपने आपने हाथ में रखा है उसका एंड हो सकता है, नेगेटिवली, नेगेटिव रूप में बता रहा हूं मैं, पॉजिटिव एंड नहीं कि आपने कंप्लीशन कर लिया। तो वध तारा सबसे खतरनाक है ही है सर। इसमें ये पूछना था क्वेश्चन में को, ये लेटेस्ट नक्षत्र देखना है कि लग्न का नक्षत्र देखना है जैसे इवेंट एनालिसिस करना था? आप जब जब दशा चल रही है ना जिन ग्रह की, आप सिंपल ये कीजिए कि जिन भी ग्रह की आपकी महादशा चल रही है और जिस भी ग्रह की आपकी अंतर्दशा चल रही है, तो वो जन्म के समय किस नक्षत्र में था वो नक्षत्र नोट कर लीजिए आप। ओके ओके सर, ठीक है। आपने देखा महादशा नक्षत्र हमारा, महादशा नाथ जो था वो अश्विनी में था और अंतर्दशा नाथ हमारा रोहिणी में था, अश्विनी से 4 नंबर, यानी जब 4 नंबर आपका आ गया तो 4 नंबर आपका शेम तारा हो गया, यानी इन दशा में जो ग्रहों की दशा होगी वो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कोई रिजल्ट आपको बुरे भी मिल रहे हैं भाव भविष्य कारक के हिसाब से, तो भी रिजल्ट आपको ज्यादा बुरे नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये बेटरमेंट वाली दशा है, तारा चक्र इनका अच्छा है। समझ गया सर, समझ आ रहा है? समझ गया सर, आ गया समझ में। थोड़ा एक दो एग्जांपल देख लेंगे ना कुंडली के, तो उससे थोड़ा अच्छा समझ में आ जाए। हाँ, वो आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, आपको मैं एग्जांपल बताऊंगा इसके, आप इसको रिकॉर्डिंग को सुनिएगा जरा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एग्जांपल इसके करेंगे, अपने आप तारा निकालेंगे कि कैसे तारा निकालते हैं, ठीक है। और तारा निकालने के बाद फिर हम कहेंगे कि हाँ रिजल्ट्स में हमारी क्या कमी आती है। लेकिन मैं आपको फिर भी अभी भी ये बता रहा हूँ कि दिस इज ओनली वन वे, तरीका है, वन ऑफ द वे है, बेसिकली सोल वे नहीं है ये। देखने का तरीका वही है कि दशा देखो, महादशानाथ को देखो, अंतर्दशानाथ को देखो, कहाँ के स्वामी हैं, कहाँ बैठे हैं, कहाँ देख रहे हैं, उनके बीच में एक्सेस क्या है, बली है या नहीं है, वो सब चीज तो देखनी देखनी है। उसके बाद आपको ये देखना है कि तारा चक्र कैसा है, इसका बहुत ओवर एंड अबव ये भी आपको चेक करना है। आपने देखा कि महादशानाथ स्वामी तो बहुत अच्छा है, अंतर्दशानाथ का स्वामी भी बहुत अच्छा है, बली है, उन दोनों के बीच में एक्सिस भी अच्छा है, लेकिन तारा चक्र खराब है। तो तारा चक्र प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन रिजल्ट में थोड़ी कमी आएगी। ओके सर, एक चीज पूछनी थी जी सर। सर कोई भी जब दशा होगी तो वो इन ये जो 9 तारे हैं इनमें से होके गुजरेगी, तो क्या हम ऐसा तो सर क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि 33% टाइम किसी भी दशा में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि 3, 5 और 7 जो है 9 में से 3 तारा जो है वो नेगेटिव हो गए थोड़े, तो इसका मतलब है कि 33% टाइम जो है खराब होगा, हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात एकदम सही है। उसमें भी जो वध तारा है ना वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। सर मैंने ये राशिफल पे लगाया, ये 100% काम करता है। आप हाँ। अपनी राशि पे जो गोचर में जो चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उससे आप लगाओ, इसका 100% रिजल्ट मिलेगा। हाँ, अभी गोचर का मैं आपको बताऊंगा आगे, गोचर में भी लगाएंगे इसको। अभी मैंने आपको ये बताया कि दशा चल रही है, तो सिंपली आपको ये देखना है कि महादशानाथ जो आपका है वो किस नक्षत्र में है, अंतर्दशानाथ किस नक्षत्र में है, दोनों के बीच का गैप देखना है। अगर वो गैप 1, 10 या 19 आ रहा है तो जन्म नक्षत्र है, 2, 11, 20 आ रहा है तो संपत्त तारा है, 3, 12, 21 आ रहा है तो विपत्त तारा है, ऐसे करके आपको काउंट करना है इसके अंदर। सर वो तो जो आपने बताया ये जैसे 10 आ रहा है, 19 आ रहा है या 20, 21 आ रहा है, वो तो काउंट करके हो गया, लेकिन जिसका हमने रिमाइंडर लेना था वो तो पहले वाला आपने बताया था ना। देखिए ना, सपोज कीजिए मैं क्या बोलना चाह रहा था आपसे, मान लिया मैंने अभी आपको बताया नहीं कि क्वेश्चंस कंफ्यूज ना हो जाएं, कि 3, 12, 21 ये देखिए विपत्त तारा में है, मीत साहब ठीक समझ में आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी सर। 3, 12 और 21 विपत्त तारा में है। अब मान लिया नक्षत्र की डिस्टेंस 21 आ गई, सपोज कीजिए कि आपका अश्विनी नक्षत्र है और उससे 21वां नक्षत्र आपका अंतर्दशा का नक्षत्र है, तो या तो आप 21 डायरेक्टली याद कर लें कि भाई 21 तारा भी जो विपत्त तारा होता है, या 21 को 2+1 कर लें तो भी याद कर लें, तो वो भी आपको पता चल जाएगा कि 3 नंबर हो गया, या 21 को 9 से डिवाइड कर लें, 9 से डिवाइड करेंगे तो 3 बैलेंस आ जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि तीसरा तारा चल रहा है, और तीसरा तारा जो होता है वो हमेशा विपत्त तारा होगा, 3रा, 12वां और 21वां।
क्योंकि बारह का मतलब भी बारह और दो प्लस एक बारह हो, तीन हो गया, दो प्लस एक इसका भी मतलब तीन हो गया, तो थर्ड तारा जो है बेसिकली विपत तारा है। तो सर चाहे काउंट करके ले लें चाहे रिमाइंडर से देख लें, बात वही आके बात वही आएगी आपकी, चाहे रिमाइंडर से नहीं चाहे काउंट करके ले। तो सर जो जैसे हमने इसको अप्लाई करना है बिटवीन महादशा एंड दी अंतरदशा जी, कैन वी टेक इट फर्दर टू बिलो दशास एज वेल, अब दशास लाइक नहीं वैसे महादशा पे अंतरदशा पे काउंट कीजिए ऐसा कुछ नहीं है, केवल महादशा और अंतरदशा पे ही काउंट करना का सिस्टम उसमें दिया हुआ है उसके अंदर करने को, तो आप उसके अंदर भी देख सकते हैं कि भाई अंतर्दशानाथ का और आपने प्रत्यंतर्दशानाथ का दोनों का भी एक्सिस चेक, ये चेक कर लिया तारा कैसा है, वो कर सकते हैं उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन नॉर्मली इसको अंतर्दशा और महादशा में ही चेक करते हैं ये देखते हैं, लेकिन उसमें करने में कहीं रोक नहीं है, ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि आपको अंतर्दशा और प्रत्यंतर्दशा में नहीं करना है, वहां भी आप कर सकते हैं। ये एक तरीका बताया उन्होंने कि अगर ये होगा तो प्रॉब्लम होगी। अब सपोज कीजिए कि अंतर्दशानाथ के रिजल्ट आपको अच्छे मिलने वाले हैं और प्रत्यंतरदशा का रिजल्ट आपका थोड़ा खराब मिलने वाला है, तो वहां भी तारा आप चेक कर सकते हैं कि अंतरदशा प्रत्यंतरदशा में तारा कैसा है, तो वो कर सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉर्मली महादशानाथ और अंतरदशानाथ में चेक किया। सर इसमें मैंने एक चीज और भी देखी है, महादशा भी अच्छी है अंतरदशा भी अच्छी चल रही है और बाकी ग्रह भी अच्छे चल रहे हैं, कई बार प्रॉब्लम आ जाती है योगिनी दशा में चल रही हो रुकावट आ रही हो तब भी रिजल्ट गलत आ सकते हैं। राकेश जी सवाल समझा नहीं मैं आपको, यहाँ थोड़ा आवाज बंद हो गई थी। सर तारा में देख लिया अच्छा रिजल्ट आ रहा है महादशा अंतरदशा का, बाकी भी चेक कर लिए, कई बारी योगिनी दशा खराब चल रही हो संकटा चल रही हो तो भी रिजल्ट गलत आ सकते हैं। आप उसको दरअसल इस दशा को मिक्स मत कीजिए, इसके अंदर नहीं प्रॉब्लम हो जाएगी, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, आप विमशोत्री दशा लेके ही चलिए, इसके फलों की ही बात कीजिए, अगर वो अच्छा है तो अच्छा है, वो बुरा है तो ठीक नहीं है। आप उसके अंदर योगिनी संकटा या कालचक्र दशा या चर दशा ये सब चीज देखना शुरू करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, घुल मिल जाएगा सारा, सब खिचड़ी बन जाएगी, उसका तरीका अलग होता है, उसका कैलकुलेट करने का तरीका अलग होता है, वो सब चीजें अलग है, ठीक है, उसको मतलब इसमें लेके ना चले, इसमें सिर्फ विमशोत्री दशा का याद रखें, क्योंकि हम लोगों ने विमशोत्री दशा पढ़नी है और ऋषि पाराशर ने भी यही कहा है कि कलयुग के लिए विमशोत्री दशा ही इम्पोर्टेंट है, इसी को याद रखना है, आप योगिनी वगैरह इन सबको भूल जाइए, उससे मिक्स मत कीजिए इस चीज को, क्योंकि विमशोत्री दशा कैलकुलेट करने का तरीका अलग है, योगिनी का अलग। ठीक है सर, ठीक ठीक है, तो ये विमशोत्री दशा के लिए ही है, तो आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास मेरी जो होगी ना वो मैं आपको, क्योंकि मैं आपसे एक हफ्ते का टाइम अभी और मांगूंगा, क्योंकि 15 की शादी है और 19 की हमारी क्या नाम है रिसेप्शन है और 21 को हम लोग फ्लाइट से बैठ रहे हैं वापस यहाँ पे सैटरडे को संडे को और 22 को पहुंचेंगे, तो ये 6-7 दिन जरा अभी और बिजी हैं, तो 22 के बाद जो हमारा वीकेंड आएगा उससे हमारी क्लास रेगुलर हो जाएंगी, ठीक है, लेकिन टुमारो नहीं क्लास रहेगी, कल कोई फंक्शन है तो मुझे फंक्शन अटेंड करना है कल, तो कल की क्लास नहीं रहेगी, आज क्लास मैंने आज मैं इसलिए मैं आपके पास आना चाहता था टाइम निकाल के कि एक बार आपसे मिल लूं, थोड़ा आपको बोल दूं कि आप जरूर रिवाइज कर लें, पहला ही मैंने आपको इसलिए ज्यादा रिवाइज कराया, तो आप तारा चक्र में आपको आगे वाली क्लास में पढ़ाऊंगा उससे आपको आइडिया हो जाएगा, फिर हम कुंडली एनालिसिस स्टार्ट करते हैं इसके अंदर, मतलब नेक्स्ट क्लास 27 ऑनवर्ड्स रेगुलर हो जाएगी उसके अंदर, बिल्कुल ठीक है, इतने हम रिवाइज कर लेंगे इसको थोड़ा, लेकिन उससे पहले आप रिवाइज कर लीजिए प्लीज, इसको देखिए बिल्कुल ढीला मत छोड़िए, एक घंटा आप अपनी ज्योतिष में लगाइए जरूर, टाइम निकाल लीजिए एक घंटे के लिए, आप लोग इतना सीख रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं तो एक घंटा जरूर लगाइए। सर आज की रिकॉर्डिंग मिल सकती है क्या, ये आज वाली मिल पाएगी क्या? आज वाली मैं ट्राई करूंगा, मिल जाएगी तो अदरवाइज तो मैं कोशिश करता हूँ मिल जाए तो, ठीक है, ठीक है, हाँ कोशिश करता हूँ, लेकिन जो आज की मैंने पढ़ाया है आपको उसमें से 75% बाहर तो मैंने ना, वो आपने वो हमारे पास है ऑलरेडी, वो ऑलरेडी आपके पास है तो वो हिस्सा याद हो जाएगा, तारा चक्र का आपको थोड़ा ध्यान रखना है, तो अगली बार मैं एग्जांपल के साथ बताऊंगा आपको तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है सर, ठीक है, तो अब यही चलते हैं, फिर मिलते हैं 22 के बाद, और सब लोगों को अपना अपनी केयर करें, ध्यान रखें, नमस्कार, आप भी ध्यान रखिए, थैंक यू सर, नमस्ते, थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्कार, गुड नाइट, ठीक है सर, नमस्कार सर।